أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام علیکم, آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان کی ایک خاص ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رحمان عشق رمضان. اور پورا مہینہ اس بار میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹی وی ون پر. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سبھی بہت ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں, اپنی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کام کریں, صبر کرتے ہیں, صبر کی تلقین کرتے ہیں. برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہماری ہر ممکن یہ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹیں, زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی رحمتیں سمیٹیں. یہ مہینہ ہر مہینوں پہ برتر ہے, اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں بونس ملتا ہے. جی ہاں, اور یہ بونس ایسا ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بونس کو اویل کر سکے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ بڑا سیریس ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑا سختی ان کے اندر آ جاتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ ایک بات بتائیں, جس مہینے میں آپ کو بونس مل رہا ہوتا ہے سیلری کا, وہ مہینے میں کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو, آپ کتنا مسکراتے رہتے ہیں, آپ کتنے چہکتے رہتے ہیں. تو جناب یہ رمضان میں ہمیں بونس مل رہا ہے, وہ بھی ہمارے پروردگار سے, اللہ تعالیٰ سے, تو کیوں ہم اتنا سیڈ ہوں یا اتنے سختی کریں یا اتنا سیریس منہ بنا کے رکھیں. یہ تو بہت خوشی کا مہینہ ہے, بہت رحمتوں کا مہینہ ہے. پروردگار
रहमतें बरसाता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, शयातीन को कैद कर देता है और हम सब के लिए सिर्फ और सिर्फ रहमतें बरसाता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा महीना हमारी कोशिश ये रहेगी। देखें, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता हम नहीं जानते, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस माह रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ एक तो कनेक्ट कर सकें, दूसरी बात ये कि इस पूरे माह रमज़ान में हम कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आएँ जिसमें आप लोग उससे इस्तफादा हासिल कर सकें। इस माह रमज़ान में हमने थोड़ा सा, मैं आज ज़्यादा वक्त लूँगा आप लोगों से क्योंकि पहला दिन है, तो कोशिश ये होती है कि पूरा एक इंट्रोडक्शन आपको कर दिया जाए, समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि हमारे प्रोग्राम्स किस तरह से चलेंगे। हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जो खिदमत इंसानी के लिए हर वक्त अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किए रखते हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करें, उनको यहाँ बुलाएँ, उनसे बात करें, उनको आपके सामने लेकर आएँ ताकि आप लोग उनकी मदद कर सकें, क्योंकि वो बेतहाशा लोग हैं जिनकी वो मदद करते हैं और हम सब इसी तरह से मिलके माशरे को और बेहतर कर सकते हैं। माशरे को बेहतर करने की बात आती है तो ऑब्वियसली देर आर पीपल जो कि इस माशरे को एक अलग तरह से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे मेरे ख़्याल से मुझे भी बात करनी चाहिए, आप लोगों को भी बात करनी चाहिए कि ये एक एक ऐसी ऐसी बात है जिस पे मैं शायद घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल बहुत छोटी सी बात करूँगा। फिर जब हमारे साथ यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट होंगी, डॉक्टर साहबा होंगी, मैं उनसे भी यहाँ पे बात करूँगा। ये जो हमारी ज़मीन है, हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ यही ज़मीन है, यही दुनिया है। हमें इसकी परवाह करनी है, हमें इसका ख्याल करना है। वो पानी जो अल्लाह ताला हमें देता है आसमान से, उसको किस तरह से सेव करना है। इस कुर्रे अर्ज पे बेतहाशा चीज़ें होती चली गईं, होती आईं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने कुछ ज़्यादतियाँ की हैं अपनी इस ज़मीन के साथ। तो अब हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उस पर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली जब हम रमज़ान के प्रोग्राम करते हैं तो उनमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें कुछ सवाल जवाबात होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ हारते जाएंगे जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कुछ जीतते जाएंगे जो कि वाकई सबको अच्छा लगता है, और जो जीतने वाले होंगे उनके बीच में फिर फिनाले होगा, फिर डिबेटर्स होंगे हमारे साथ, डिबेट का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। मुझे कुछ कहना है उसका, मेरे ख़्याल से सेगमेंट है, और उसमें यहाँ पे यंगस्टर्स आएंगे और तकरीरी मुकाबले यहाँ पे हुआ करेंगे। उसके साथ प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे होंगे, उनकी रोज़ा खुशाई होंगी, उनसे हम बातें करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। वैसे ही आप बच्चों के साथ 10 मिनट अगर बैठ जाए ना, तो जितना भी डिप्रेशन होता है ना लाइफ में, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर आपको परेशानी है, थोड़ी सी टेंशन है, 10 मिनट बच्चों के साथ बैठ जाएं, एंजॉय करें, महकती कलियां उस सेगमेंट का नाम है। फिर हमारे साथ यहाँ पे ऑब्वियसली रमज़ान है, तो कैसे हो सकता है कि खाने पीने की हम बात ना करें। खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि आप पागलों की तरह बस खाना ही शुरू कर दें, नहीं, हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ होंगे जो आप लोगों को मज़े मज़े के खाने बनाना बताएंगे, सिखाएंगे, और आप अपने घर पर बनाएंगे। इसके साथ मैं एक और बात आपको कहता हूँ कि TV1 का हमारा जो फेसबुक पेज है वो आप नोट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें, ये मैंने भी अपने बचपन से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ख़ास तौर से रमज़ानों में एक बड़ी ख़ास डिश बनती है, एक बड़ी मज़े की डिश बनती है। तो आपने हमारे साथ अपनी वो रेसिपी, या कि वो वीडियो हो या लिखी हुई हो, वो आपने TV1 के फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे नहीं,
मेरे पास आजकल टाइम नहीं है भाई, मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टा पे नहीं, आपने टीवी वन के फेसबुक पे, फेसबुक के इंस्टा पे जाके आपने वो अपनी रेसिपी भेजनी है या वीडियो बना के भेजने पूरी कि हमारे घर में ये ख़ास डिश है जनाब जो कहीं नहीं बनती, तो वो डिश आप हमें भेजेंगे और वो यहाँ पे हम फिर शेयर भी करेंगे। और अगर आपकी डिश हमारे शेफ़ को और हमारे उलमाए कराम को और मेरे जो गेस्ट आते हैं उनको पसंद आ गई, तो आप समझेंगे आप कोई ज़बरदस्त सा इनाम जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त, मैंने कहा आपको बात बता दूं। फिर ऑब्वियसली हमारे साथ यहाँ पे हमारे उलमाए कराम होंगे, बहुत सारी बातें होती हैं उलमाए कराम से, बहुत सारे मसाइल पे डिस्कशंस होती हैं। हम आज जिन मसलों में उलझ के रह गए हैं, जिन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह गए हैं, कोई कोई बात करता है, कोई कोई बात करता है, तो आसान तरीका ये होता है कि एक ऐसे शख्स को ढूंढा जाए जो कुरान और सुन्नत के रूह में हमें उन चीज़ों पे गाइड कर सके, जो कि बहुत आसान है। खामखां आप इधर उधर जाते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उससे बेहतर है यहाँ उलमाए कराम मौजूद हैं। अगर आप लोगों के सवालात हैं वो भी आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई और सवाल करने हैं आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, हम उलमाए कराम से आपके वो सवालात जो है बिल्कुल पूछ लिया करेंगे ताकि उसके जवाब आपको डायरेक्ट मिल जाएँ। कोई मसला है, शरई मसला है, कोई आपकी ज़िंदगी का मसला है, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल कुरान पाक में ना हो, और ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है। तो जनाब इससे बाबरकत महीना हो नहीं सकता, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पूरा महीना ये बरकतें समेटें भी और आप लोगों को खुशियां भी दें। हमारे साथ यहाँ पे हमारी एक नात खां भी हैं, अक्सा अब्दुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए आइए अक्सा, आइए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फ्रेश हैं आपके सामने? पहला रोज़ा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, अब तो चूंकि इतनी ट्रांसमिशंस कर ली हैं तो एक आदत सी, आदत सी है। जी जी, और बस लगे रहते हैं। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? बस पहला रोज़ा है तो बस कोशिश यही है कि बस अल्लाह का जिक्र और उसके महबूब का जिक्र होता रहे साथ साथ। आप हम पढ़ रही हैं या नात पढ़ रही हैं? मैं कलाम पेश कर रही हूं। कलाम पेश कर रही हैं। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, बिस्मिल्लाह जी। बदामिन तौलाती ही वल्लैलु दजाम्यो वाफराती ही है नूर सहर चहरे से और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से अल्लाहु 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 और राह नुमा
एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिलसिला अब चल पड़ा है इस ट्रांसमिशन का, ये ख़ास ट्रांसमिशन नूर रहमान इश्क रमज़ान, और इसका जो पहला सेगमेंट है वो है राह नेकी। आइए चल के उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी आप सबको फिर मैं खुश आमदेद करूँगा। राह नेकी सेगमेंट रखने का मकसद ये है, जैसे मैं अभी इंट्रो में भी ये कह रहा था कि वो तमाम लोग जो दिन रात इंसानियत की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ किए बैठे हैं, उन सबको हमारी ज़रूरत होती है, हमें कभी कभी उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सिलसिला जो है ये मिलजुल के आपस में चलता रहता है। और मेरे साथ इस वक्त ECF के जो यहाँ पे हेड ऑफ़ डेवलपमेंट हैं वो मौजूद हैं, असद शहबाज साहब, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह फैसल। हम बहुत अरसे बाद मुलाकात कर रहे हैं जी, बिल्कुल। उस वक्त आप गालिबन किसी और इदारे के साथ थे और अब आप किसी आपको देख के यादें ताज़ा हो गई पुरानी, है ना? बट आप मुस्तकिल मुंसलिक रहे हैं इसी फलाही बहबूद और इस तरह के कामों में। मुझे अब लगता है कि शायद मुझे और कोई काम आता नहीं है, मुझे यही काम आता है, मैं यही काम कर सकता हूँ। अच्छा जी, सो आप मुस्तकिल बस कोशिश में लगे हैं? जी मैं पिछले 7 साल से मुंसलिक हूँ TCF के साथ। TCF अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है जो भरपूर अंदाज में बच्चों की तालीम के लिए, मेयारी तालीम के लिए काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि TCF एक समुंदर है और मैं सिर्फ उसमें कतरा हूँ, तो अगर कतरा निकल भी जाए इससे तो समुंदर को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कतरा कतरा मिल के पूरा दरिया बनता है। तो बहुत सारे मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो इस पूरे कारवान को चला रहे हैं, उन सब ने मिलके समुंदर बनाया है। 1995 में सिलसिला शुरू हुआ, 5 दोस्तों ने सोचा कि किस तरह हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारी कौम के अंदर बेहतरी आए या कुछ शऊर उजागर हो लोगों में। सो सब ने डिसाइड किया कि एजुकेशन से पावरफुल चीज़ कोई हो नहीं सकती। वेरी ट्रू। जितने भी मसले हैं चाहे पाकिस्तान के या दुनिया भर में, कहीं ना कहीं उसकी वजह शऊर का ना होना या तालीम का ना होना है। सो 5 दोस्तों ने 1995 के अंदर 5 स्कूल स्टार्ट किए, 700 बच्चा था। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था। 1921 स्कूल यूनिट्स चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, माशाल्लाह 1921 स्कूल, और 2,87,000 तकरीबन 2.75 लाख बच्चा इस वक्त इनरोल है। 57,000 बच्चा सिस्टम से निकल चुका है। फैसल भाई एक ऐसा सिलसिला बन चुका है 28 सालों में कि हमें खुद नहीं पता कि हमने रुकना कहाँ पर है। पर अगेन वही बात, रुकना क्यों है? नहीं रुकना ना, हमें तो कह रहा हूं, हम रुकने का सोच ही नहीं रहे। बट ये सिलसिला तब चलेगा जब इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, जैसा मैंने कहा ये पूरा समुंदर है। सो अभी हमारी मंजिल आई नहीं है, तो हमें इन सब लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि द सिटीजन फाउंडेशन इदारा ही सिटीजन का है, बिल्कुल शहरियों का इदारा है जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं, ये तो होगी अच्छी अच्छी बातें, अब एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो कि मायूसकुन बात भी है कि कराची की आबादी इस वक्त कोई 2.5-3 करोड़ आबादी है तकरीबन।
इतना ही बच्चा स्कूल से बाहर है पाकिस्तान का, आप कराची जितना एक पूरा शहर आबाद कर सकते हैं उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा रहे। अब आपको और मायूसी होगी सुन के कि जो इनका एज ग्रुप है वो 8 से 16 साल है, अगर अगले चंद सालों में इनको स्कूल में ना लेके जाया गया तो ये स्कूल गोइंग ए से निकल जाएंगे। वेरी ट्रू। अब आपको और मायूसी होगी ये सुन के कि इसके अंदर 48% बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही, या उन्हें भेजा नहीं जा रहा, उनमें से नहीं जा पा रही हैं या भेजा भी नहीं जा रहा। देखें, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, फिर जहां पर बच्चियां हैं वहां पर स्कूल नजदीक नहीं है। हमने एक रिसर्च ये बताती है कि अगर 500 मीटर घर से स्कूल दूर है ना आपका, तो 15% ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाता है बच्चियों का। लोग सिक्योर फील नहीं करते, बच्चों को नहीं भेजाते। सही बात। तो हमें ये सिलसिला चलाने के लिए, अब ये सिलसिला ऐसे नहीं चल रहा, इस सिलसिले को चलाने में लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है और हम ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़े। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपके ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जब आप किसी इलाके में स्कूल बनाते हैं तो वो घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि जी आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आए, इस तरह से वॉलंटियरली बच्चे लोग काम कर रहे हैं यंगस्टर्स? इसमें फैसल भाई हमारे वॉलंटियर नहीं होते, हमारे प्रिंसिपल का और टीचर्स का KPI है कि जब नया स्कूल तामीर होता है तो उसका बच्चों को ये शऊर उजागर करने के लिए माँ बाप के अंदर के तालीम का फायदा है, वो घर घर जाके लोगों को मोबिलाइज करके और उनको लेकर आते हैं। जबरदस्त। तो ये सिलसिला इस तरह चल रहा है। जबरदस्त। और हमारे स्कूल, आई एम श्योर आपने देखा होगा, ये हम कहते हैं खूबसूरत बच्चों का खूबसूरत स्कूल, यानी बज़ाहिर वो बच्चा आपको लगेगा वो एक गरीब घराने से या गरीब कम्युनिटी से आ रहा है, बट हम उसको एक अमीर स्कूल देते हैं, हम उसको वो सारी आसाइशें देते हैं जो एक बड़ा स्कूल या जो प्राइवेट स्कूल उनको देता है। कुशादा कमरे होंगे, खेल का मैदान होगा, लैब्स होंगी, कंप्यूटर लैब होगी, फिजिक्स लैब होगी, केमिस्ट्री की लैब होगी। सर, हम बहुत सारे मसले मसाइल के डिस्कशंस कर रहे होते हैं, किस तरह से चीज़ें हल होंगी, किस तरह से मसाइल हल होंगे, किस तरह से ये होगा, लेकिन वहीं पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात असद साहब ने यहाँ पे बैठ के की है वो यही है कि तालीम एक ऐसी हमारे पास चाबी, मैं कहूँगा, है जो कि ये तमाम रास्ते खोल सकती है कामयाबी के। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जितनी उनको तालीम दी जाए वो कम है, पूरी दुनिया इस वक्त इस पे काम कर रही है। मुझे अफसोस इस बात का होता है क्योंकि यूरोपियन कुछ ममालिक हैं वहाँ पे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो जनाब उनको सज़ा भी हो जाती है। तो लेकिन हमारे यहाँ किस तरह से सिस्टम चल रहा है वो भी आपको पता है। तो इस तरह से जैसे TCF काम कर रहा है, द सिटीजन फाउंडेशन, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बच्चे की तालीम पर अगर वो फ्रॉम नर्सरी टू ए लेवल या ओ लेवल या मैट्रिक तक जो भी आप पढ़ा रहे हैं जहाँ तक वो जाता है, कितना खर्चा आ जाता है साल का, चलें लगा लेते हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक बच्चे का एक साल का 40,800 रुपये खर्चा, पूरे साल का, पूरी तालीम जो उसको मेरी तालीम मिल रही है जिसमें यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपीज, सारी चीज़ें शामिल है, 40,800 के अंदर आप एक बच्चे को एक साल के लिए पढ़ा सकते हैं। हमारा अगर आपने एक स्कूल सपोर्ट करना है तो 6.5 मिलियन यानी 65 लाख रुपये खर्चा आता है पूरे स्कूल की तालीम को कंटिन्यू करने लेके के चलने लिए, में लेके चलने एक साल में। का जी एक साल का। सो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम माशाल्लाह देखें कोई 22-23 करोड़ के अवाम है, हम ये कहते हैं उसमें कोई तो 1-2 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जो इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सिर्फ 40,800 के अंदर आप एक बच्चे को मयारी तालीम दे सकते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अभी रमज़ान है ना, बहुत से लोग अपना डोनेशन ज़कात सदका ये निकालते होंगे, अगर आप अपनी ज़कात से जो कि आप तालीम पर दे सकते हैं आप एक बच्चे को पढ़ा दें, आज इन बच्चों को आप ज़कात दे रहे हैं ना, कल ये बच्चे किसी और को ज़कात देंगे, ये गारंटी है। और अगर हम एक कौम है, हजूम नहीं है, आई एम श्योर हम कौम है, सो हमें ये सोचना पड़ेगा अगर हमें तरक्की करनी है तो तालीम के बगैर दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर हमने हजूम रहना है तो वो एक अलग हमारा फैसला है, बट तालीम के बगैर ना कौम तरक्की करती है ना मुआशरे तरक्की करते हैं। तो हमें अगर मुआशरे को डेवलप करना है तब भी तालीम देनी है तो सिर्फ 40,800 के अंदर हम एक बच्चे को मयारी तालीम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और मुस्तकिल हमने जो है वो टिकट चल रहा था, आपने नंबर्स नोट कर लिए होंगे। प्लीज़ मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि आपने सिर्फ ये सुनना नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने किसी जानने वाले को बता दें, शाम के रोज़े के बाद चाय पे बैठें, कहीं भी बैठें, आपस में डिस्कस करें कि यार ये एक फाउंडेशन है वो इस तरह से काम कर रही है तो उनको कैसे सपोर्ट करना है। आप अकेले 40,000 नहीं दे सकते, आप 4-5-6 दोस्त मिलके, 10 दोस्त मिलके एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम सब की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है।
Thank you once again. Thank you very much. And hopefully we'll see you again. Inshallah. 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 मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ. ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं. देखते रहिए नूरे रहमान इश्क रमजान. अस्सलाम वालेकुम जी. आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं. बार बार आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद मैं देता रहूँगा, हर रोज़ देता रहूँगा. उसकी वजह यह है कि ये जब माह रमज़ान आता है, रमज़ान का महीना आता है, तो सबके चेहरों पे खुशियाँ आ जाती हैं. और जो हमारा सेगमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये. इसका नाम है दीन और दुनिया. और हमारे साथ ब्लू इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं ब्लू नेट प्लस से, डॉक्टर नुज़रत खान साहिबा. अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदेद कहते हैं. नुज़रत साहिबा, आप तो ख़ुद भी प्रोग्राम करती रही हैं टीवी वन से, और बड़ा आपने लोगों को जगाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है. हम किस तरफ टॉपिक्स को लेके चलेंगे, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप एक इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि फिर हम लोगों को ये बात कर सकें कि हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं और हमें किस तरह से ये दीन और दुनिया इस सेगमेंट का नाम क्यों है. अच्छा, वैसे तो सबको अस्सलाम वालेकुम और माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद. आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है. ये कराची के हर दूसरे फर्द का मसला है. हाँ, आजकल थोड़ा सा वही हम कहते हैं कि आलूदगी और हमारे जो अमाल हैं जो हमने इस दुनिया को किया है, जिस दुनिया के साथ अपनी तरक्की के अमल के साथ, तो वो उसका नतीजा है जो हम मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जूझ रहे. अच्छा, वैसे तो सबको माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद. अच्छा, हम थोड़ी सी इस मुबारकबाद के साथ, जहाँ हम इतने सवाब की बात करते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात करते हैं इस महीने में, उसकी रज़ा चाहते हैं, तो उसकी रज़ा का जहाँ इबादतें बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि हुकूकुल इबाद भी हैं, हुकूकुल दुनिया भी हैं जी, तो हम जो इस सेगमेंट में बात करेंगे कि रमज़ानों में जो हुकूक दुनिया हैं उनको कैसे हम अपने रमज़ान का हिस्सा बनाएं, किस तरह हम लोगों की इस दुनिया की बका के लिए हम अपना हिस्सा उसमें डालें, जहां हमें सवाब भी मिले और इस दुनिया की इर्तका और उसकी बका के लिए हमारा छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी हो जो एक बड़े स्पेक्ट्रम में हमें नज़र आए. मैं माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, असल में वो चीज़ मुझे लगता है कि वो हुकूकुल इबाद में ही आ जाती है, कि आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो वो उसको हम अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो हुकूकुल इबाद में ही आ जाता है, कि आप जैसे हमसायों के हुकूक हैं, आपके जो घर में काम करते हैं उनके हुकूक हैं, या आप जब सड़क पे चल रहे हैं तो उसकी भी सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं. हाँ. रिश्तेदारों के हुकूक हैं, सबके अपने अपने हुकूक हैं ना, तो वो हुकूक जब आप अदा करना शुरू करते हैं तो ये जो आप बात कर रही हैं हुकूक दुनिया की, ये ऑटोमेटिकली बीच में इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं. आता तो है असल, लेकिन मसला ये कि जब तक हम किसी चीज़ को टैग नहीं करते, उसको निशानदेही नहीं करते खसूसियत के साथ, बिल्कुल, तो लोगों के दिलों में वो बात नहीं जाती. जब हम सिर्फ हुकूकुल इबाद की बात करें तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि रिश्तेदारों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, चीज़ों को ठीक से. लेकिन हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, एक बड़े दायरे के साथ बात करेंगे, जिसमें हम आज इंशाल्लाह पहला रोज़े की इफ्तारी होगी. हम ये चाहते हैं कि जब पहले रोज़े की तैयारी हो तो हमारी नज़र ये हो कि क्या हम खाना ज़ाया तो नहीं कर रहे. वाह. वो सिर्फ खाना ज़ाया करना नहीं है, अगर हम किसी और प्रोग्राम में जाके हम बताएंगे कि एक मीट का टुकड़ा बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, कितना पानी चाहिए होता है, कितनी ज़्यादा पानी, तकरीबन कोई 30 से 40 लीटर पानी हमारे एक वक्त के खाने में इस्तेमाल होता है. वो सिर्फ ये नहीं जो आप पकाने में, जो उनको उगाने में, जो आपकी प्लेटर तक लाने में, क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हम खाना एक प्लेट में खा रहे हैं इस पर कितनी चीज़ें इस पर इन्वेस्ट हुई होंगी. वाह वाह वाह. तो हम ये चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के साथ कि इस दफ़ा इस माह रमज़ान में हम हर अमल को ये देखें कि क्या हम कुछ ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम उसको उस तरह देख रहे हैं कि जिससे इस दुनिया की बका भी हो और हमारे पैसों की बचत भी हो, बिल्कुल, और हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल भी बेहतर हो. इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्चुअली फॉर दिस वर्ल्ड. मैं लोगों से बात कहता हूँ ना कि अक्सर कभी बात होती है तो मैं कहता हूँ भाई मरीख पे जाकर तो नहीं रह सकते, अभी तक फाइनल नहीं हुई है ये बात, तो रहना तो इसी ज़मीन पर है ना. जैसे हम जैसे लोगों से जब लोग पूछते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई, हम पाकिस्तान में ही रहेंगे. बट चले आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, हाँ.
आपको रहना तो जमीन पे ही, इसी दुनिया में रहना है, तो इस दुनिया का ख्याल करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं, सूरह रहमान में बड़ा क्लियर लिखा, कुरान शरीफ में जा बजा लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि जी जो हमें हमें नेमतें दी हैं उसका हमें हमें उससे फैज़ लेना चाहिए, उसके साथ हमें उन सारी चीज़ों को जहाँ हम उससे फ़ायदा लेते हैं, मज़े मज़े के पकवान पकाते हैं, वो हमें हर पकाने वक्त ये सोचना चाहिए कि क्या ये खाना जस्टिफाइड है, क्या इसको इतना ही पकाना चाहिए, क्या बात, क्या ये इसी तरह ज़ाया होना चाहिए, क्योंकि कल फिर रोज़ा होगा, तो जो खाना इस वक्त इफ्तारी में होगा वो मुझे नहीं लगता, या तो मतलब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि लोगों को इस बात की आगही दें। एक और मेरा छोटा सा अपने नाज़रीन के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आज हम एक जर्नलाइज बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमसे ये चाहते हैं कि हम ख़ास तौर पे किसी चीज़ की बात करें, कोई ऐसा टॉपिक जो आपके दिल के बहुत करीब हो और वो इस दुनिया की बका के लिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो, तो काइंडली हमें कॉल करें और हमें बताएं कि इन इन टॉपिक को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आप जो बात कर रही हैं डॉक्टर साहब, देखें हम, आपने पानी की बात की, मैं सिर्फ, मैंने वो हिसाब लगाया है जो आपने एक डिश की बात की है, मैंने वो हिसाब लगाया है, वो वाकई, वो आप, मैं कभी कभी ये सोच में चला जाता हूँ कि अब जैसे हम पाकिस्तान में इस वक्त हम गैस के बहुत बड़े इशू से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक नेचुरल रिजर्व था हमारा जो गैस हमें मिलती थी, जिससे हम लोगों को बहुत आसानियाँ थी, आज हम उसकी मुश्किल से दो चार हैं, हमने वो इतनी यूज़ की है गैस कि हमने ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट, अब वो गैस हमें उस तरह से अवेलेबल ही नहीं है, हमें सिलेंडर यूज़ करने पड़ रहे हैं, हमें और चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वो अगर सोचें सिर्फ एक सेकंड के लिए कि अगर पानी के रिजर्व कम होने शुरू हो, इससे पहले सोचें अगर ऑक्सीजन खरीदनी पड़े, वो आपको पता है ना चाइना में तो वो लोग ऑक्सीजन लेके थोड़ा सा उसको, जिस तरह के माहौलियाती मसले शुरू हो रहे हैं, जी जी बिल्कुल, और अगर हमें ये ऑक्सीजन खरीदनी पड़े अपनी सांस लेने के लिए, जिस तरह हम दरख्तों को काट रहे हैं, ये लंग्स हैं इस दुनिया के, बिल्कुल, ये सिर्फ हमें साफ ऑक्सीजन नहीं देते, इस दुनिया को मेंटेन करते हैं, इसकी ऑक्सीजन को ग्रीन करते हैं, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो आप ये सोचें कि पानी, अगर हमें पानी तो आज भी हम खरीद रहे हैं पीने का, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़े पानी का, और हमारे खैर रिलीजन में भी ये कहा गया है कि अगर आप समंदर के किनारे, दरिया के किनारे भी बैठे हों तब भी पानी को कंजर्व करें, उसको ज़ाया ना। वाह वाह वाह, वेरी ट्रू, दिस इज़ एब्सोल्युटली। हम ये प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स के साथ, हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी साइंस, थोड़ा मज़हब और हमारी ज़िंदगी, इन सबको साथ लेके चलें, इसीलिए इसका नाम दीन और दुनिया है जी, और हमारी यही कोशिश रहेगी इस पूरे सेगमेंट में कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हो सकते हैं कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें, किस तरह से ये करें, हमने कराची में चूंकि एक ज़्यादातर तादाद जो है वो अपार्टमेंट्स में रहती है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, जब हमने एक पूरी ड्राइव शुरू की कराची में दरख्त लगाने की, तो लोग कहते थे कि हम कहाँ लगाएं, हमारे पास ज़मीन थोड़ी है, तो मैं कहता था भाई गमलों में लगा लो यार, गमले ख़रीद के बालकनी में रख लो, घर में रख लो, एक बड़ा ज़बरदस्त प्लांट आता है जी, वो स्नेक प्लांट जिसे कहते हैं, वो अगर आप घर में रखते हैं, आपको पता है वो ह्यूमिडिफायर है आपके घर का, वो आपके घर में ह्यूमिडिफायर का काम करता है, सो देर आर, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक ना तोहफा रखा है आपके लिए, वो ढूंढना है हमें। अच्छा, मैं एक और इसमें साइंटिफिक, वेरी, यू सेड इट वेरी राइटली, बहुत अच्छी आपने बात की, देखिए ये दुनिया बड़ी सस्टेनेबल मैनर में कार्व की गई, अल्लाह ताला ने बनाई है, एक बहुत ही क्लोज टाइट सिस्टम है, इसमें ना तो कोई चीज़ अंदर आती है और ना बाहर जाती है सिवाय सनलाइट के, तो आपका जो पानी, जब हम चंद हज़ार लोग थे और आज जब हम होने जा रहे हैं कोई 8 बिलियन, तो पानी की एक ही मकदार है। वाह, ठीक है, जो आपका खाना है। अच्छा, एक और सस्टेनेबिलिटी जो हमारी इस दुनिया की बका को अल्लाह ताला ने कैसे पोशीदा रखा, आपको शायद पता होगा कि ज़मीन में 30% है ना, ये जितनी आपके लिए रिसोर्सेज रखे हैं, जो आपकी नेमतें रखी हैं, उससे कहीं ज़्यादा, कोई 2 लाख से ज़्यादा क्रिएचर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, जो समंदर में है,
और आपका जो समंदर है जो मुझे बहुत पसंद है वो इस दुनिया की बका का मंबर है। बिल्कुल। और वो उसमें वो ख़जाने रखे हुए हैं। अल्लाह ताला को ये पता था कि जब बनीनो इंसान इस ज़मीन को हशर नशर कर देगा, जो आजकल हम कर रहे हैं जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, मेरे गले पोल्यूशन की बात हो रही है, बहुत सारी और भी चीज़ें, तो अल्लाह ताला ने उन नेमतों को पोशीदा कर दिया समंदर के। वाह। कि जैसे जैसे हम तरक्की का अमल करते जाएंगे और हमारे रिसोर्स डिप्लीट होते जाएंगे तो हम समंदर की तरफ देखेंगे और वहाँ से अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को, अपने खाने को, अपने पीने के पानी को वहाँ से हम लेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है? तालीम की ज़रूरत है, आगही की ज़रूरत है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े, आने वाले वक्तों की ज़रूरत क्या है, हम ऐसे कौन से अमल करें कि हमारे हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाएं। Right. जो हमने कहा कि हुकूकुल दुनिया जी, अगर हम इसका प्रोग्राम का अगर ये हमारे नाज़रीन इजाज़त देंगे तो हो सकता है हम इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो हुकूकुल दुनिया भी कह सकते हैं, कि इस दुनिया के जो आप पे वाजिब हुकूक हैं, जिसकी आप बहुत शौक से इसके जो नेमतें हैं उनसे इंजॉय करते हैं। और आपको अगर आप देखें पिछले उसमें जाके कि लोग घोड़ों पे चलते थे, पैदल चलते थे, उनके पास ये सहूलतें नहीं होती थी, राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थी। हमारी ज़िंदगी जो है वो किसी राजा से बेहतर है। हमारे बाथरूमों में गर्म पानी आता है, हमारे अभी हम नीचे उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठेंगे, हमारे लिए ज़िंदगी दुनिया जो है वो छोटी हो गई है। कहते हैं कि जी सुबह का नाश्ता कहीं करिए, दोपहर को कहीं और खाइए, और रात को डिनर करिए, और सुबह नाश्ता करने वापस करिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसे ऐसी इजादातें की हैं कि हमने सुपरसोनिक प्लेन बनाए हैं, जो घंटों दिनों का जो रास्ता था, सफ़र था, वो मिनटों सेकंडों में तय कर लेते हैं। हमने ऐसी ऐसी ट्रेन्स बनाई हैं, बुलेट ट्रेन्स बनाई हैं, जो फास्टेस्ट हैं दुनिया में एक कोने से दूसरे पर। इसी तरह हमने कोशिश कर रहे हैं हम समंदरों को मुखसर करने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि डीपेस्ट जो ओशन है उसको स्टडी करें। लेकिन क्या हमने ये स्टडी किया, क्या हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारी आने वाली ज़रूरत क्या है, हम कैसे इन सारी चीज़ों को उसकी बका के लिए इस दुनिया की इसको कैसे सस्टेनेबल करें, हम किस तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है जो इन्जॉय आज हम कर रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें अवेलेबल। चीज़ों को ना मुझे लगता है डॉक्टर साहब रीसाइकिल करने की बड़ी ज़रूरत है। मैं ये लोगों को बात बताता हूँ, इट्स 2006-07 की बात है, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे मैंने एक सिस्टम देखा जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो आज तक मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। वो पानी को भी रीसाइकिल करते हैं, जिस पानी से हम नहाते हैं वो पानी यूज़ होता है फॉर फ्लश, ठीक है। अब दिन में अगर घर में चार लोग रहते हैं और वो 3 दफ़ा भी बाथरूम जाते हैं तो आप सोचेंगे वो पानी कितनी दफ़ा फ्लश होता है, और वो पूरा पूरे टैंक्स फ्लश करते हैं, 6 से 8 गैलन पानी, ठीक है, 6 से 8 गैलन पानी डेली जा रहा है। तो आप सोचें कि अगर तीन चार बंदे घर में नहाते हैं तो उसका टैंक अलग है जो स्पेशली फ्लश करने के लिए है, तो वो पानी रिसाइकल हो जाता है। सो इस तरह से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और हमारी भी ये बात होती है जब भी हम यही बात कहते हैं कि भाई पानी एक ख़जाना है जिसको हम सब ने मिल के बचाना है। और लोग टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, नलका खुला होता है, मुंह धो रहे होते हैं, नलका खुला होता है, गाड़ी धो रहे होते हैं, नलका खुला होता है, शावर ले रहे होते हैं, इतनी देर शावर खुला रहता है, तो पानी तो हम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हम थोड़ी सी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देनी है। सोचें यार, आपकी औलाद है आने वाले वक्त में, अगर खुदा ना खास्ता हमारे बड़ों ने गैस के मज़े लिए, हम नहीं ले पा रहे गैस के मज़े, भाई हमारे पास गैस नहीं है, हम सिलेंडर पे चल रहे हैं। तो सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमारे बच्चे क्या पानी से महरूम होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ पर सोचना ज़रूर है। अच्छा, मैं जो आप पानी की बात करें, क्योंकि आज हमारे एक जनरलाइज बात है, हाँ, और हम एक खास प्रोग्राम कर पानी के ऊपर कि उसको हम कैसे कंजर्व बचा सकते हैं आने वाले लोगों के लिए। अगर आप एक और चीज़ देखें जो लोग शायद समझते हैं लेकिन अमल नहीं करते, हमारी मुसीबत हम सब समझते हैं बट अमल करने में हम पीछे रह जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अब जो लोग आजकल जो पानी का इतना मसले बने हुए हैं, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके ख़ास वक्तों में पानी आता है और उनको पानी का एक एक ड्रॉप मेरे ख्याल काउंटेड होता है। उसके बावजूद हम पानी जाया करने से बाज नहीं आते। सोचें अगर अभी भी आप रोडों पे चले जाएं तो लोग बड़े आराम से गाड़ियां भी धो रहे हैं तो रोडें भी धुल रही हैं, कपड़े भी कोई
इतने पानी से धुलते हैं, हम क्यों नहीं इस रमज़ान में ये तहिया कर लें, कोई एक वादा अपने आप से कर लें कि ये हमें नहीं करना है। हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल पानी से स्टार्ट लेते हैं ताकि उस पर ज़रा हम तफसीली बात कर सकें। थैंक यू सो मच, चूँकि हमें आगे बढ़ना है अगले सेगमेंट की तरफ। रमज़ानों में ज़रा भाग दौड़ ज़रा ज़्यादा लगी रहती है हमारी इस ट्रांसमिशन में। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आके विल कंटिन्यू। कहीं मत जाइए, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद आपको। जैसे मैंने वादा किया था कि जनाब आपको मज़े मज़े की हमने रेसिपीज़ बतानी है, और रमज़ान हो और कुछ अलग अलग किस्म की रेसिपीज़ ना हो ये हो नहीं सकता। हमारे साथ यहाँ पे शेफ नौरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, पहला रोज़ा आपको मुबारक। आपको नौरीन, मैंने एक और भी हमने कोशिश कर रहे हैं हम छोटी सी। okay. होता ये है कि रमजानों में ना कुछ घरों में खास कुछ डिशेस बनती हैं, कुछ बड़े मजे मजे की डिशेस बनती हैं। सो व्हाट वी वांट कि वो डिशेस हम शेयर करें लोगों के साथ। इस रास्ते से पर्दा उठा दें प्लीज। इस रास्ते से पर्दा उठा दें, अपनी बेहतरीन डिश बताएं कि आपके घर में कौन सी ऐसी डिश बनती है, वो हम यहाँ पे बनाएंगे और अपनी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं टीवी वन के फेसबुक पे। आप नौरीन को मत भेजिएगा, मुझे मत भेजिएगा, आप टीवी वन के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, ताकि ये स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आप अगर हमें अपनी वीडियोस बना के या रेसिपी लिख के भी भेज सकते हैं। बनी हुई होगी ना तो हमें पता होगा एग्जैक्टली कि आप बना क्या रहे, छोटी सी वीडियो बना के वो भेजें। और आपकी वीडियो अगर जीत गई तो आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या इनामात मिल सकते हैं, और जिनकी बेस्ट होगी वो हमारे साथ फिर कुकिंग करेंगे। अरे यार ये तो और जबरदस्त हो गया, बिल्कुल और हो गया। अगर आप आना चाहते हैं तो, अगर नहीं आना चाहते तो नो इशू। नौरीन आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट ब्रेड दही बड़े, क्योंकि दही बड़े तो माश की दाल के लोगों ने बहुत खाए, लाइक दालों के खाए एंड बेसन के फुलकियाँ व्हाटएवर जो भी होता है, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स इंस्टेंट दही बड़े होते हैं, ब्रेड के बनते हैं, ब्रेड के, एंड यू वोंट बिलीव, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर ये सकेंगे। तो ब्रेड बड़े हो गए फिर। अब वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे जब आप खाएंगे। अच्छा जी, कि इज इट ब्रेड और व्हाट? ओहो जी, ब्रेड दही बड़े। जी ब्रेड दही बड़े, ठीक है। अच्छा है, ये कुछ नया आया, ये नया, आई लाइक इट। अच्छा मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा इसके लिए हमने लिए हाफ के जी छोले, जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे, फिर सुबह हमने इसको बॉईल कर लिया था। अच्छा कुछ लोग डालते हैं सोडा, नो नीड ऑफ एडिंग सोडा, सोडा डालने की जरूरत नहीं है कि छोले गलते नहीं है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। आपने अगर रात को भिगो दिए 5 to 6 hours, फिर आप सुबह जब इसको उबालेंगे तो इसमें सोडा डालने की जरूरत नहीं होगी, वो और भी फूल जाएंगे। देखें ये सारे, देखें छोले कैसे फूल गए हैं, बिल्कुल राउंडल्स, ठीक है। अच्छा इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन चटनी। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने लिया था निमको, ठीक है ये जाएगा इसमें। ये आपके पीनट्स हैं रोस्टेड, मैंने रोस्ट कर लिया था पीनट्स को। योगर्ट इसमें 500 ग्राम, लाइक हाफ के जी योगर्ट है। चाट मसाला है, लेमन का जूस है, थोड़ा सा दाल सेव है, प्याज को हमने स्लाइस कर लिया था, 1 कप दूध है, हरा धनिया चॉप्ड है, चीनी है, हरी मिर्चें हैं, इमली टेमरिंड पेस्ट है, और थोड़ा सा ये कुटा हुआ मसाला, जो मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि जीरा एंड जो साबुत गोल लाल मिर्ची होती है उनको तवे पे हल्का सा भून लीजिए, फिर उसको क्रश कर लीजिए, तो फिर ये इस तरह का मसाला बन जाएगा। दिस इज द बेस्ट मसाला फॉर दही बड़े, ठीक है। दही बड़े में चीनी भी, दूध भी, क्रीम भी, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। हाँ तो मैं तो अडेल हूं ना समझा। हाँ क्योंकि मैं तो खा नहीं सकता। क्यों, आप डाइट पे? मैं तो नॉन स्टॉप डाइट पे नहीं हूँ, कंट्रोल फूड, कंट्रोल, लेकिन कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून यू कैन हैव इट। इस तरह तो 30 दिन वंस इन अ ब्लू, तो तीनों दिन ब्लू मून हो जाएगा, 300 दिन। चलिए टेस्ट कर सकते हैं आप? नहीं। अच्छा टेस्ट भी नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप बनाएं, मुझे खुशी होती है लोगों को खाता हुआ देख के। और ये जो ऐसे हमारे रमजान के सेट्स पे बनता है ना, ये कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली नहीं पता चलता। हाँ अच्छा ये मैंने ब्रेड को काट के रखा था और मैंने इसको क्या किया, सैंडविचेस बनाए थे, इसमें ग्रीन चटनी मैंने लगा दी थी, तो आपने इस तरह के सैंडविच बना के रखने। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने रख लिया था इस तरीके से। आपने क्या करना है, ग्रीन चटनी लेनी है, आराम से इसको यूं करना है। और ये पुदीने की ग्रीन चटनी है ना? पुदीना, हरा धनिया पुदीना की, जी हरी मिर्च, ठीक है ये हमारे हो गए। अच्छा अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने डालना है इसके अंदर योगर्ट, ठीक है हाफ के जी योगर्ट है। मैं अपना स्पैचुला यूज करूंगी, इससे जाया नहीं होता, एक तो वैसी महंगाई है तो कोई चीज वेस्ट नहीं करनी। हाँ रोजे हैं तो चाट भी नहीं सकते, ये भी इशू है। चले जी हमने इसमें योगर्ट डाला। अच्छा योगर्ट के बाद इसमें जाएंगे ये क्रीम, अराउंड 3 to 4 tablespoons, ठीक है इसमें क्रीम ऐड होगी।
अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये हरी मिर्च, ठीक है, चाट मसाला जाएगा इसके अंदर अराउंड 1/4 टीस्पून, ठीक है, थोड़ा सा ये हरा धनिया इसके अंदर ऐड होगा, ये दही बड़े का मसाला जो मैंने कूट के रखा था ये जाएगा, और इसमें जाएगा 4 टीस्पून मींस 2 टेबलस्पून शुगर, ठीक है, हीट मतलब भर के, ठीक है, हमने इसमें शुगर ऐड, अगर शुगर कोई नहीं डालना चाह रहा तो, शुगर नहीं डाले तो आप हनी डाल दें, और नहीं डालना तो कुछ भी नहीं डाले, हाँ नथिंग, ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों को शुगर के भी इश्यूज होते हैं ना, हाँ, तो बिल्कुल, इस वजह से मैंने कहा ये भी, वो कहे हम नहीं बना रहे, हमें तो शुगर है, हम कहाँ से खाएंगे, नहीं तो शुगर नहीं डाले, हाँ। अच्छा ये मैंने इसमें 1 कप दूध डालना है, ठीक है, इसमें दूध आ गया, वाह इसको आराम, पूरी फैमिली आ गई, दही भी आ गई, क्रीम भी आ गई, दूध भी आ गया, वाह पूरी फैमिली के साथ तो मजा आता है, हाँ ये भी हो गया ना जी, चले इसको हम हल्के से बीट करेंगे ताकि जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाए। अच्छा इसमें आप लोग पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं अगर ये शुगर आप लोग नहीं, ब्राउन शुगर से टेस्ट डिफरेंट तो नहीं होगा, ब्राउन शुगर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और अगर आप स्वीटनर यूज करते हैं तो वो तो फिर वो सही रहेगा, हाँ स्वीटनर भी आप लोग यूज करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक ठीक है, ये हमारा हो गया योगर्ट रेडी। अच्छा अब आ जाते हैं हम छोलों की तरफ, ठीक ये हमने साइड कर दिया इधर, अब आ जाते हैं हम छोलों में, छोलों में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है नमक, नमक 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 यही था, चाट मसाला ये रहा जी, थैंक यू, अच्छा इसमें नमक जाएगा अराउंड 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएंगी 1/4 टीस्पून, ठीक है, कुटी हुई तो आवाम है जी, लाल मिर्च थोड़ी अच्छा ये दही बड़े का मसाला इसके अंदर जाएगा, हाँ जी, ठीक है, ये लीमू का रस है इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून, ठीक है, अच्छा हाँ अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बाकी थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे चॉप्ड, ये स्लाइस्ड अनियन इसके अंदर जाएगी अराउंड 2 टेबलस्पून, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और ये टेमरिन चटनी जो इमली की चटनी हम इसमें ये ऐड करेंगे अराउंड 3 to 4 टीस्पून, फिर बाकी हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, ये जालिम लोग हैं कि शेफ लोग बड़े जालिम हैं, वाई जालिम भाई, ऐसे मजे मजे के खाने बनाते रहते हैं ओ सॉरी, हां हम तो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर सकते हैं खाने की चलिए जी अब हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है, अब हम आप इधर आ जाएं तो मैं इधर आ जाऊंगी, बिल्कुल मैं घर चला जाता हूं नहीं नहीं घर जाने की जरूरत नहीं है, चलिए जी, अच्छा अब हमने क्या करना है देखें, सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं ग्लासेस में, 1 जो सिंगल सर्विंग होगी, ठीक है, हमने ये डाला इसके अंदर सैंडविचेस इस तरीके से, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ये हुआ, ठीक है, अब हम इसके साथ डालेंगे दही, जी वाह वाह, ताकि ये सोक्ड हो जाए ब्रेड, अच्छा मतलब एक शेफ वाला टच है इस दही बल्ले में, जी बिल्कुल, ये तो आपके साथ शेफ ही है, मेरा ये मतलब नहीं है, वो एक होता है ना, वरना हम तो सारा कुछ धड़ गया घड़म रोजे के बाद, तो मेरा क्या होता है कहते हैं फैसल, मेरा ये होता है कि हमेशा आई कैचिंग फूड हो, अच्छा, क्योंकि सबसे पहले आंखें देखती हैं, हाँ, उसके बाद आपको आप लोग टेस्ट करते हो, तो वी हैव टू, ये कि सबसे पहले आई कैचिंग फूड को बनाना पड़ता है, ये इतना सा अगर किसी मैंने बंदे को दिया ना खाने के लिए, वो नाराज भी हो जाएगा, इतने से दही बल्ले दे रहे हो हमें तो कटोरे में देना था बड़े वाले, हाँ चले अब मैं दूसरी सर्विंग भी करती हूँ, फिर मैं इकट्ठा फिर उसको वो कर दूंगी सारी चटनी वटनी के साथ, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, वैसे ये दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू कि ब्रेड को आप यूज कर रहे हैं जी, क्योंकि वो भल्ले बनाने में टाइम लगता है, बड़े बनाने में, हम लाहौर वाले भल्ले बोलते हैं, कराची वाले बड़े बोलते हैं, तो उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अच्छा तरीका है कि आपने देन एंड देयर, अच्छा मेरा एक वैसे इस पे सवाल है, अगर ये ब्रेड को थोड़ा सा तल भी लिया जाए, हाँ, तो और ज्यादा मजे के नहीं लगेंगे, तले वो मर्जी है, लेकिन इसका तो डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा, अच्छा, आप उसको टोस्ट कर सकते, टोस्ट कर सकते, हाँ, तलेंगे तो फिर थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाएगा ना, तो वो मजा नहीं आएगा, लेकिन वो फिर शाही टुकड़े बन जाएंगे, हाँ, नहीं अगर कड़क कड़क बना लिया जाए, हाँ, तो वो बना ले फिर आप उसको एक एक वन बाइट हो जाएगा, वो एक ऐसे खाने पीस जैसे बनती है, विस्तरा बन जाएगा, चले जी ये हम इसके ऊपर पोर करेंगे, वाह ठीक है, ये हमने इसके ऊपर पोर किया, वाह क्या बात है, ये हमने इस तरह पोर किया इसके ऊपर, जी जी मैं आपकी चीजें आपको दिए जा रहा हूं, अच्छा ये रोस्टेड पीनट्स हैं, ये इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, रोस्टेड पीनट्स जाएंगे, थोड़ा सा ये हमने निम को लिया था, ये इसके अंदर जाएगा लाइक दिस, ठीक है, अच्छा ये नमक पारे हैं सोल्टिश, ये जाएंगे इसके अंदर,
वाह क्या बात है जी, बहुत मजे का लग रहा है ये, यकीन मानिए जबरदस्त जबरदस्त चीजें लग रही हैं। और ये क्रैकर्स जो रखे हैं इनका क्या करना है? ये इसके ऊपर जी, इसको इट्स लाइक अ नेस्ट। ओ जबरदस्त जी, ये हो जाएगा। चले हम इसके ऊपर भी ये डाल देते हैं निम को। ग्रीन चटनी मुझे प्लीज पास कर देंगे, थैंक यू। मेरे लो पास है। चले जी, अब इसमें आएगी ये ग्रीन चटनी, ड्रिजल करेंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर ये हो जाएगी, इसके ऊपर भी हम ड्रिजल कर देंगे। मजे के दही बल्ले, ब्रेड दही बल्ले जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, और ये कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं पता। अच्छा, ये इमली की चटनी इसके ऊपर आएगी, ठीक है। ये इमली की चटनी इसके ऊपर आ गई इस तरीके से, इस पे भी हम ड्रिजल कर देंगे। चलें जी, अब ये आएगा, ये थोड़ा सा दाल सेव, दाल सेव हम इस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, इस पे डाल देंगे, और एंड में क्या होगा, दही बड़ा मसाला ऑन द टॉप, और फिर एंड में हम ये करेंगे। क्या बात, ये देखें तो इस तरह से कोई जबरदस्त सी डिश बना दी है। मुझे कोरिएंडर, हरा धनिया भी पास कीजिएगा, मुझे पता है कोरिएंडर का। चलिए जी, ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वो किया, और हम इसके साथ भी यही करेंगे। हाँ ठीक है, ये आ गया यूं, ये आ गया यूं, और वो हो गया ऐसे ऐसे, ये ओए होए जबरदस्त, क्या बात है जी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके ऊपर, मैं खा नहीं सकता लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत मजे का होगा, अफ्तार में आप लोग जरूर ट्राई करें। बड़ी जबरदस्त रेसिपी बताई है जी इन्होंने, और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल अलग है, घर वालों को सरप्राइज कर सकती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे हो गए दो किस्म की प्रेजेंटेशन। वाह, एक सादा खुशबू, एक मम्मी डैडी। So, ये आप लोगों के सामने मौजूद हैं जी। और प्लीज डू ट्राई, ट्राई जरूर कीजिएगा, ट्रस्ट भी, कोई नहीं पहचानेगा कि ये ब्रेड है, ट्रस्ट। हाँ नहीं, वाकई इट्स गोइंग टू बी जबरदस्त ही, जब लोग अफ्तार पे खाएंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ। या तो मुंह बना के घूम रहे होंगे या वाह कर रहे होंगे, बट थैंक यू सो मच। नहीं बनाएंगे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ, डिफरेंट रेसिपी। अच्छा, आप तो यही है, आप जा तो नहीं रही, कुछ और बना रही है? नहीं, वैसे भी मेरा यही था, यही था जी, मैं यही बना रही हूं। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद, नूर रहमान, इश्क रमज़ान, और पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट आती है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक ऐसा सेगमेंट होता है, मैं जब भी जिस साल जहाँ पे भी करता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम होता है महकती गलियाँ, और ये प्यारे 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 इतने सारे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ यहाँ पर होते हैं। सो हम सबसे मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, आज ज़रा ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि कम से कम नाम पता लग जाएंगे, कुछ एक दो सवाल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम है मासूमा हैदर। क्या है? मासूमा हैदर। मासूमा हैदर, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 3A। क्लास 3A में, और आज क्या खाया सहरी में? लोल है? लोल क्या? पराठा अंडा। पराठा अंडा, क्या बात है, आगे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अरे क्या भाई, क्या ड्रेस पहना है आपने, हैं? थैंक यू। क्या बात है, ये मामा की पसंद का है, आपकी पसंद का है? मेरी पसंद का है। आपकी पसंद का है, ये आपने बनवाया था या मामा ने बनवाया था? मामा ने। मामा, अच्छा ये सही है, सच बोला बच्ची ने, मामा ने बनवाया था। क्या नाम है आपका? जुनैशा। जुनैशा, क्या आपको रमजान में सबसे अच्छी क्या चीज लगती है? अफ्तारी बहुत अच्छी लगती है मुझे अपने घर की। अच्छा, क्या स्पेशल क्या बनता है अफ्तारी में, ये बताओ। हमारे घर में कभी चाट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, किस किस्म की, वो क्रीम वाली या सादा? क्रीम वाली। क्रीम वाली, चटोरी चटोरी हैं आप, आगे दीजिए जरा, आज सबसे थोड़ी थोड़ी बात हो जाए मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारोश। मारोश, कैसी हैं आप? ठीक। आप स्कूल गई थी आज? नहीं। क्यों, छुट्टी थी या छुट्टी की? आज मैं रोजा था। रोजा था तो स्कूल नहीं गई? तो आपने कहा कि मैंने रोजा रखा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जी। अच्छा, तो स्कूल वालों ने तो बहुत मिस किया होगा फिर आपको। फोन वोन तो नहीं किया किसी ने? नहीं। अफ्तारी में क्या खाना है?
मसाली में रोल रोल चिकन रोल, अंडा रोल, पराठा रोल, पराठा रोल, पराठा रोल। ठीक है ठीक है, ये भी सही है भाई, पराठा रोल खाएंगी ये, इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा आप स्कूल गई थी? यस। नो नो, कंफर्म कर लो पहले। नो। अच्छा, नाराज हो किसी बात पे? किसी ने गुस्सा गुस्सा तो नहीं किया हैं? किसी ने कुछ कहा तो बताओ मुझे हैं? दिखाओ दांत, नजर आ रहे हैं मुझे? हाँ आ रहे हैं, थोड़ी सी सी आ गई, आ गई। असल में आपके बाल आगे आ रहे हैं ना, मैं देख ही नहीं पा रहा आपको। अच्छा तो आपको क्या पसंद है सहरी में या अफ्तारी में खाने में, कि मैं ये तो खाऊंगी खाऊंगी, ये मैं मामा से या बाबा से जिद करूंगी कि मुझे चाहिए? रोजा। हैं? रोजा। रोजा? मैं खाने की बात कर रहा हूँ, रोजा खाएगी ये? हैं? नहीं, खाने में क्या पसंद है? रोजा। रू अफजा। हेलो, ब्रांडिंग करवा दी बच्ची ने हमारे से मुफ्त में। चलो जी, कुछ नहीं कह सकते। लाल शरबत कर लेते हैं आसान। लाल शरबत आपको बहुत पसंद है, ठीक है? मेरे वाला भी यही करता है, दूध में डाल डाल के हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, यार क्या नाम है भाई, मोहम्मद अली। तो कभी जिंदगी में सोचा है मोहम्मद अली की तरह कुछ करना भी है? हैं? आप जानते हैं मोहम्मद अली कौन थे? कौन थे? बॉक्सर भी थे। हाँ बॉक्सर, क्या बात है यार। करते हैं वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग या नहीं? मैं नहीं करता। नहीं करते? आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? बॉलिंग। बॉलिंग करते हैं? Yes. क्या बात है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, फास्ट बॉलिंग? फास्ट। फास्ट बॉल, क्या बात है, क्या बात है। आज कैसा रहा रोजा, अभी तक कैसा जा रहा है, सब ठीक है? अभी तक तो सब ठीक है। कोई प्लान है कि यार अफ्तार में मुझे ये चाहिए? मुझे तो शरबत, शरबत अच्छा लगता है। टैंक, टैंक। अच्छा शरबत अच्छा लगता है भाई। बच्चे मुफ्त में प्रमोशन कर रहे हैं ये, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम बच्चों से बुलवा देंगे जो भी आपको बुलवाना है। सो अच्छा, आपको शरबत अच्छा लगता है। खाना वाना नहीं होता कुछ? खाने में रोल अच्छा लगता है। रोल? ये सारे बच्चों को रोल की क्या शौक पड़ गया? कोई मतलब कोई दही बल्ले, कोई चाट, कोई बिरयानी, कोई इस तरह की चीज होती है सब? तीन चार बच्चों ने रोल कह दिया है, ये रोल सही कराए भाई बच्चों का? लाए इधर दें आप, सब रोल खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जानी पहचानी सी शक्ल है तुम्हारी, हैं? कैसी जी, हो? ठीक ठाक हो? क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं। कुछ मतलब कुछ तो कर रही होगी, पढ़ रही होगी। तो पढ़ना एक काम है भाई, पढ़ना कोई आसान काम है, पढ़ना ही तो सबसे मुश्किल काम है। हम पढ़ लेते तो क्या बात थी। कौन सी क्लास में? फोर। फोर में आ गई। और आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलरफुल कपड़े पहने थे, खड़े हो गए दिखाओ, इतना मजे का आपने लहंगा कुर्ता टाइप पे वो पहना हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ से डायरेक्ट शादी में जाना है? नहीं। अच्छा, लेकिन अच्छा लग रहा है ये मैं बता दूँ आपको। तो आज क्या प्लान है अफ्तार में, क्या करना है? खुद कुछ मदद करती हो अम्मा की या नहीं? मैं मम्मा को शरबत बनाने में मदद करती हूँ। मैंने कहा शायद प्लेटें रखने में मदद करती हूँ। शरबत बनाने में भी? शरबत बनाती हैं आप? हैं? सच सच बताएं, मामा यही है, मैं पूछ लूँ। बनाती हूँ। बनाती हैं? बनाती हूँ। तंग तो नहीं करती? नहीं। हैं? कि रोजा रख लिया बात नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं होता? नहीं। अच्छा सही है ना सब? लाओ दे दो। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मनाहिल। मनाहिल, आप कौन सी क्लास में? थर्ड। थर्ड में। और आपको क्या पसंद है खाने में? अफ्तारी में। अफ्तारी में? अफ्तारी में दही भले। दही भले आज हमारे बने यहाँ पे, बड़े मजेदार बनाए शेफ नरीन ने, वो आपने जरूर खाने हैं, बहुत मजे के होते हैं, ठीक है ना? हाँ। और आप स्कूल गई थी? नहीं गई। नहीं। आज ही गई? रोजा था। अच्छा तो रेस्ट किया? मैं आपका ड्रामा देख। मेरा ड्रामा देख रही हैं आप? आप बहुत छोटी हैं मेरा ड्रामा देखने के लिए अभी। आप ही के साथ देखती हैं? आप ही के साथ? आप ही के साथ देखती हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा भाई ये लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, हाँ। अच्छा जी, मुझे चूंकि कहा जा रहा है कि ब्रेक आ गया है, आई एम सो सॉरी कुनैन, तुमसे बात होगी मेरी इंशाल्लाह। लेकिन आप सबके साथ मेट्रो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हैं जी, वो आप सबके साथ जाएंगे, थैंक यू बोलेंगे मेट्रो का, थैंक यू सो मच बच्चे, मज़े के यहाँ से गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाएंगे। कुनैन कल कुछ मज़े का सुनाना है आपने मुझे, ठीक है? कुछ भी हैं? ठीक है, ओके
ओके, मामा पापा को, मामा को क्या लेके देना चाहिए? फोन लेके देना चाहिए। हैं, तुम्हीं ने कहा था, भूल गई। चलें छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, ये मैं जरा बच्चों तक पहुंचा दूं। ये मेट्रो की तरफ से प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के साथ जाएंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, लाइए दीजिए, और आप जाइए छोटी सी ब्रेक पे। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। हमारा सेगमेंट मुझे कुछ कहना है। कहना तो हम सबको बहुत कुछ है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। क्या करें, बहुत सारी मजबूरियाँ अब आ गई हैं कि ऐसा हो गए हम लोग। बट एनीवे, हमारा ये तकरीरी मुकाबला है। तकरीरी मुकाबला जब होता है तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ जजेस होते हैं। जजेस इस वक्त मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेरे जो पहले जज हैं वो पेशे के हवाले से तो वकील हैं, लेकिन तकरीरी मुकाबले लड़ चुके हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं, फातह बन चुके हैं, और बड़े बड़े मुकाबलों में इन्होंने एज अ जज फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। शहबाज़ इब्राहिम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदेद कहता हूँ। शहबाज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद फिर आपसे मुलाकात हुई। उनके साथ हमारी यहाँ पे दूसरी जज मौजूद हैं, जो कि पब्लिक स्पीकर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। आयशा बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदेद। बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। हमारे जो तीसरे जज हैं केमिकल इंजीनियर हैं और साथ में सोशल वर्कर भी हैं। 2014 से ये पब्लिक स्पीकिंग के वाबस्ता हैं और 100 से ज़ायद तकरीरी मुकाबलों में फातह रह चुके हैं, उसके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, टीवी प्रोग्राम्स में। अरसा दराज से एज ए जज भी जो है वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे तला आलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तला, वेलकम ऑन द शो। और आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का है जनाब। हम वो हैं जो खुदा को भूल गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि आगे भी बच्चों ने आना है, बच्चों ने आके यहाँ पे तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना है, मैं एक एक बात आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी बात है जिस पे बच्चों को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे? ये मैं आप तीनों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, ताकि उनको पता हो कि ये हमारी चीज़ है। सबसे बुनियादी चीज़ जो तकरीरी मुकाबले में होती है ना, वो होता है मवाद। तो हमने मवाद के सबसे ज़्यादा नंबर रखे हैं, फिर उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ और अंदाज़े बयान, इन तीन चीज़ों को काउंट किया जाएगा। ठीक है आयशा। बिल्कुल ऐसा ही है, कंटेंट देखा जाएगा कि ये किस जो टॉपिक है उससे हट तो नहीं रहे हैं। सबसे पहले हमारा कंटेंट है, उसके बाद जो हम देख रहे हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ को देखेंगे, अंदाज़े गुफ्तगू उनका कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, उस चीज़ों उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सेम क्राइटेरिया है, मवाद सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि मवाद जिसका बेस्ट होगा उसको ज़ाहिर है ज़्यादा एज मिलता है, और साथ साथ फिर प्रोनंसिएशन है और अदायगी है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुला रहे हैं PECHS कॉलेज से हुरिया नूर को। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, माइक चेक कर लें, माइक ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह। सदर आली वक़ार, मुस्तकबिल का मौर्रख जब आज की तारीख लिखेगा तो वो हलाकू खान चंगेज़ खान के जुल्म, अल्तमश की हवस इक्तदार और इस दौर के राया का किरदार भूल जाएगा। याद रखेगा तो 21वीं सदी के हुक्मरान, मुस्लिम क़यादत, मजहबी उफकार और दो अरब राया का किरदार लिखेगा कि मिसाइलों की बौछार, माओ की कोप में दम तोड़ते नफूस, खौफ से थरथराते बच्चे, मलबे का ढेर बना गजा और खौफ से थरथराते बच्चे, कि सदर आली वक़ार जज़्बे वाहिद कहलाने वाली उम्मत का एक अज़ू अहोज़ारी कर रहा है, मगर उसका सऊदी हुक्मरान $500 बिलियन से नया शहर बना रहा है, कि भूख से बिलकते फ़लस्तीनी बच्चे, मगर उसका कतरी हुक्मरान $220 बिलियन फुटबॉल टूर्नामेंट पे लगाता है, कि जिसका मिस्री हुक्मरान $58 बिलियन से नया दारुल हुकूमत बनाता है, और जिसके पाकिस्तानी हुक्मरान एटमी ताकत होने के बावजूद इत्तेहाद के फरमान को भूलकर इक्तदार की जंग और खेलों में मगन है, कि मौरख मजीद लिखेगा कि वो कौम जो नाम तो खुदा का लेती थी मगर झूठ नापतोल में कमी और सूदी निज़ाम मईशत की हामिल थी, कि जहाँ के मुनसिफ इंसाफ की आड़ में, वकील कानून की आड़ में और उस्ताद इल्म के पर्दे में बदयानती करते थे, कि अगर खुदा याद रहता तो इसराइल को माली इमदाद फराहम करने वाला KFC PSL का शराकत दार न होता, अगर खुदा याद रहता तो परियंता कुमारा राग का ढेर न बनता, अगर खुदा याद रहता तो महरूम बलोच को सड़कों पर न घसीटा जाता,
रोज कराची की सड़कों पर डकैती से किसी घर का चिराग न बुझता, अगर खुदा याद रहता तो माह रमजान में ताजी लूटमार न करते, मासूम बच्चों के सामने उनके वालदैन को गोलियों से न भूना जाता, अगर खुदा याद रहता तो हुक्मरानों की अयाशी रोज किसी गरीब को खुदकशी करता देखकर डूब मरती, के जमीन कहां कहां फटे, आसमां कहां कहां गिरे, के जहन माउफ आसाब शल और अल्फाज सीना कॉपी करते हैं, कि जीते जागते लोगों को मौत से दोचार करने की मंजाकशी करना हमारे बस में कहां, कि आज हम महंगाई और भूख में फंसे हैं लेकिन खुदा को याद नहीं करते, खुदा से फरियाद नहीं करते, कि आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर सिर्फ खुदा याद नहीं, सिर्फ खुदा याद नहीं। बहुत शुक्रिया। इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो भी तकरीरें होती हैं ये बच्चे खुद यहाँ पे याद करके आते हैं और इन्होंने खुद ही बोलना होता है यहाँ पे, मैंने कहा डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से युसरा हसन है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लें। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह बेटा जी। हम रूहे ज़मीन पर कदम रखने वाले वो खुशबख्त हैं जिन्हें उम्मत मोहम्मदी होने का शर्फ मिला, हम वो जिनके माथे पे साहिब किताब होने का झूमर सजा, हम वो जिन्हें अहले बैत का हुनर मिला, हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम हक और सच का अलमबरदार करते रहे, बातिल के सामने डट गए, कलमाए हक पढ़ते रहे, मगर हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, सजाले वकार जमीन की जबानों को खून बहा दिया, अतात की राहों पे अंधेरा छा गया, इंसाफ के बीचों को हुआ ना छड़का, माशी बहरानों की लहर में डूब गए, हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, सजाले वकार मगरिब की दौलतों की लालच में गाफिल हो गए, हम वो हैं जो खुदा की याद से दूर हुए, उसके फरमान भूल गए, हम वो हैं जो इस दुनिया की भीड़ में खो गए, यहाँ रमज़ानुल मुबारक के महीने का आगाज़ हुआ और हम वो हैं जिन्होंने लोगों की सहरी और अफ्तारी को काला बाजारी बना दिया, हम वो हैं जो कसूर के मासूम बच्चों की सिसकियों और ज़्यादतियों का मदावा ना बन सके, हम वो हैं जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को एक वक्त की रोटी या एक घूंट पानी तक ना पिला सके, हम वो हैं जो आज मुख्तलिफ फ़िरकों में बट चुके हैं मगर हम खुदा को भूल चुके हैं, हमारे सर तो सजदों में हैं मगर हमारे अमल रेजा रेजा हो चुके हैं, मगर याद रखो खुदा को याद करने का वक्त आया है, अपने दिलों को साफ करने का वक्त आया है, हम वो हैं जो खुदा को भूल चुके हैं मगर वो खुदा हमें हमेशा याद रखता है, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमारा रब है और हम उसके नाफरमान बनते। शुक्रिया। शुक्रिया। थोड़ी सी मैं अपडेट कर दूं बच्चों को, ये बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी डोनेशन पाकिस्तान से जा रही है, मैंने कहा अपडेट कर दें बच्चों तक, शायद ये ख़बर पहुँची नहीं है। एनीवे 22 सेकंड पहले रुक गई बेटा आप, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों से सुल्तान शेख हैं, उनसे भी हम बात, सलमान शेख, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर देना, आ जाओ। वेलवेट का कौन कोट पहना भाई ने जी, सलमान बिस्मिल्लाह। इंसान तख्लीक आदम से लेकर तकमील आदम तक कभी फरिश्तों के एतराज का निशाना बना तो कभी इबलीस की दुत्कार का, मगर मोहब्बत से तख्लीक करने वाली हस्ती ने मुझे धुतकारने वाले के एक सजदे के इनकार के अर्ज उसके लाखों करोड़ों सजदे ज़ाया कर दिए, मगर ठहरिए सदरे अली वकार, अब हमने खुदा की चुप को उसका ना होना समझ लिया है कि हम जिंदगी की तगे दो में उस खुदा को भूल गए जो अबाबील के हाथों हाथियों को दफन करवा सकता है, हम उस खुदा को भूल गए जो 313 के मुकाबले में
हजारों के लश्कर को फना करवा सकता है कि हम उस खुदा को भूल गए जो अफगानिस्तान में दुनिया के सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर करवा सकता है, कि हम उस खुदा को भूल गए कि जो जब चाहे पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम करके ये बता सकता है कि वही वादाउल्ला शरीक है, कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है, कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है, कि सदरे अली वकार, हम उस एक खुदा को छोड़कर ज़मीनी खुदाओं के सामने झुकने को एजाज समझते हैं। सो हम अपनी बेटियों को चंद सिक्कों के अर्ज गैरों के हवाले कर देते कि हम उस खुदा को भूल गए कि अदालत के नाम पर हमने ना जाने ही कितने खानदानों को फ़कत अजियत के सिवा कुछ ना दिया, कि हम उस खुदा को भूल गए कि सदरे अली वकार कि आज फलस्तीन मुश्किल में है और हम उन्हीं के प्रोडक्ट को अपने सबसे बड़े इवेंट में नुमाइश के तौर पर रखे हुए हैं, कि हम उस खुदा को भूल गए कि दीने उल्फत को बड़ा दाग दिया है हमने, हक की मंजिल का सफ़र बांट लिया है हमने, अरे हम पर लाजिम था बने फखरे मोहम्मद की दलील, बाईसे शर्म मगर काम किया है हमने, बाईसे शर्म मगर काम किया है हमने। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। मैं दरख्वास्त करूंगा आप तीनों से, हुरिया नूर, युसरा, सलमान, आप लोग पोडियम पे आ जाएं। जजेस की तरफ बढ़ते हैं। शुरू हम करेंगे आयशा आपसे, आप एक एक करके ज़रा थोड़ा सा अपनी जो जजमेंट है वो बता दीजिए। हुरिया का मवाद बहुत अच्छा था, अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत अच्छा था, वक्त में रहकर उन्होंने जो है अपनी तकरीर को मुकम्मल भी किया है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती थी। हम माशरे के उस पहलू को हमें लाजमी दिखाना चाहिए जो मस्बत हैं, ना कि हम मनफी रवैयों की तरफ जाएं। तो बेहतर ये होगा कि अगर हम उन चीज़ों पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसी तरह से युसरा का जो मवाद है, मवाद के एतबार से कंटेंट जो था उस पर और मज़ीद बहुत बात की जा सकती थी। अंदाज़े बयां बहुत बेहतर था, उसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सलमान की गुफ्तगू में मुझे कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें पोशीदा महसूस हुई जो कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। पॉजेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे, उसको अगर आप थोड़ा सा जल्दी करते तो वो और मज़ीद बेहतर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। थैंक यू जी शहबाज। कहते हैं कि गुफ्तगू ज़र्फ़ का इजहार हुआ करती है, आलम तेश में भी अच्छा तकल्लुम रखना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जहाँ जहाँ इन बच्चों को इख्तलाफ भी था तो बहुत अदब के साथ वो सामने रखा, और इसी तरह होना चाहिए। सबसे पहले हुरिया नूर, बहुत अच्छा बोली आप बेटा, और आपकी तकरीर में सबसे पहले मंजर आपका बहुत अच्छा था और साथ साथ फैक्ट्स भी अच्छे लगे और प्रेजेंट सिचुएशन पर थे तो वो ज़्यादा बेहतर लगे। साथ साथ युसरा हसन, आपसे ये गुजारिश है कि जब भी मिसाल के तौर पर आपको कोई भी मौजू मिले तो जब आप दलील दें तो उसमें ज़िक्र होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि युसरा हमारी बेटी बहुत अच्छी है तो ये लफाजी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि फ़लाँ बहुत अच्छा काम कर रही है तो ये एक दलील हो जाएगा साथ में। तो कोशिश करें फैक्ट्स में इस तरह की चीज़ें लाएँ। सलमान की तकरीर भी मुझे अच्छी लगी और फैक्ट्स भी अच्छे थे और मंजर भी बेहतर था जी। तरह मैं जो है वो बारी बारी आप लोगों की टेक्निकलिटीज़ को बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि अगले राउंड में कौन जा रहा है। पहली मुकर्रा जब आई आप हुरिया, तो आपने कंटेंट बहुत अच्छा बोला, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके बहुत अच्छे थे, जिस तरह से आपने नंबर्स पे बात की ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात जब मुकर्रर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है तो उसका तलफ़ुज़ जो है ना हम उमूमी तौर पे देखते हैं कि उसमें मसला आता है। तो जैसे आपने गज़ा सही लफ्ज़ है उसको गलत पढ़ा, जसद वाहिद होता है, तो फिर इसी तरह से आपका कंटेंट बहुत अच्छा था। और आखिरी का जो 30 सेकंड होता है ना बेटा युसरा, जब आप आई तो आपने पेपर में भी ये होता है ना कि जब बच्चा इम्तिहान दे रहा होता है तो पहला पेज बहुत अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा, और आखिरी में बस ये है कि जैसे तैसे करके उसको निमटा देता है। तो आखिरी का 30 सेकंड जो है वो हमारे ऊपर असर छोड़ता है कि मुकर्रर किस तरह से अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा है।
ठीक है, आगाज़ और इख्तिताम बहुत अहम होता है। तो आप 22 सेकंड पहले आप रोस्ट्रम से चली गई, जाहिर सी बात है ढाई मिनट की अगर तकरीर है तो उसमें आखिरी के 30 सेकंड बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत के हामिल होते हैं। और हमने पहले ही बता दिया था कि कंटेंट के जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर हैं। आप जब शुरू की आपने अपनी तकरीर तो आपने रूह ज़मीन कहा, सही वर्ड जो है वो रूह ज़मीन है। सच का अलम बरदार करते रहे, सच का अलम बुलंद करते रहे, सच का अलम बरदार अलग बात है और सच का अलम बुलंद करना वो अलग बात है। अतात कहा आपने, लफ्ज़ इतात होता है। मगरिब, अच्छा गैन और गाफ का फ़र्क, जैसे ख़ानदान यहाँ पे सलमान ने कहा, जाहिर सी बात है आपकी मादरी ज़ुबान का असर इसमें मौजूद है, लेकिन इसको हमने देखना होगा। बाकी बहुत अच्छा मुकाबला रहा, मुकर्रर सारे बहुत अच्छे थे, कोई फंबल नहीं आया। सलमान का फंबल आया था दूसरे पैराग्राफ में, मगर आपने बहुत अच्छे से उसको संभाला। तो ओवरऑल बहुत अच्छा आज का मुकाबला पहले दिन की नस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीनों जजेस का मुत्तफ़िका फ़ैसला है, हमने जो है वो 10 नंबर कंटेंट के रखे हैं। आने वाले मुकर्ररीन को भी हम बता दें, 10 नंबर कंटेंट के हैं, 5 डिलीवरी के हैं और 5 प्रोनाउंसिएशन के हैं। तो इस तरह से एक जज के पास 20 नंबर, दूसरे के पास 20 नंबर और तीसरे के पास 20 नंबर। तो आज हमारे इस मुकाबले में जो सेकंड पोजीशन है, यानी आप रनर अप रहेंगे और जाहिर सी बात है आप अगले राउंड में नहीं जा सकेंगे। 3 मुकर्रर में से एक मुकर्रर जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। तो तीसरे नंबर पे जो है हमारे साथ मौजूद हैं यूसरा एहसन, बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, बेस्ट ऑफ लक अगले साल के लिए। दूसरे नंबर पे यानी आज के रनर अप मुकर्रर हैं सलमान शेख, हुरिया हमारे साथ और हुरिया जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई। कांग्रेचुलेशन हुरिया, कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक कभी कभी हो जाता है, रोजे में भी आई नो, ट्रैवल भी है और भी मसले होते हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। आप दोनों को हम यही कहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट इंशाल्लाह। एंड आप हमारे साथ आगे जा रही हैं, सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके साथ हमारे गिफ्ट टेम्पल्स जाएंगे, मैं जाऊंगा छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान में। और अब जो सिलसिला है वो ज़ेर ज़बर का है और ज़ेर ज़बर में होंगे बड़े मज़े मज़े के सवालात और उनके जवाबात देने के लिए यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे और जो जीतता रहेगा वो आगे जाते रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पे जजेस भी मौजूद हैं ताकि वो थोड़ी सी हमें सपोर्ट कर सकें कि कौन बज़र दबा रहा है, कौन सही जवाब दे रहा है, कौन गलत जवाब दे रहा है। मेरे साथ एनईडी यूनिवर्सिटी से मोहम्मद यासिर हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासिर, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से रिजवान खटक हैं, अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मोहम्मद हमजा हैं मदरसा अनवरुल कुरान से, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बजर राउंड होता है पहला, आप लोगों को पता है, और बजर राउंड में ये होगा जो बजर बजाएगा इंतज़ार कीजिएगा, जजेज आपको बताएंगे कि किसने बजर दबाई है। बजर दबाते ही आपने जवाब दिया, आपका जवाब ज़ाया हो जाएगा, सो थोड़ा सा ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है? बजर दबा के सब्र भी करना है, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का भी साथ रखिएगा। तैयार हैं आप लोग? यस सर। बिस्मिल्लाह करें। एक फुट में कितने इंच होते हैं? सी सी जी फुट 12 इंच। बिल्कुल सही, तुम बजाना बजर, सही है। बड़ी लंबी बजर है तुम्हारी यार, ये बजा के भागते हैं बचपने में ऐसे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस इम्तिहान CSS किन अल्फाज का जी सी जी पब्लिक सर्विस कमीशन CSS कर CSS करंट सर्विस CSS करंट सर्विस। गलत जवाब भाई, उसको बंद भी कर दे बाद में। अच्छा वापसी। हाँ सिविल सर्विस सोशलिस्ट। गलत, दोनों का गलत। इस पे माइनस है? नहीं, उस पे माइनस है। अच्छा इसमें माइनस भी है भाई। तारीखी कटास राज मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में वाकया है? तारीखी कटास राज मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में वाकया है? जिला भावलपुर, जिला चकवाल, जिला उकाड़ा। जी बिल्कुल सही जवाब। 2020 में किस अहम मुल्क ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी अख्तियार की? बी। गलत जवाब, बरतानिया। इस्लामी मुल्क मराकश किस बर्रे आजम में वाकया है? जी नॉर्थ साउथ बर्रे आजम साउथ
साउथ कौन सा बर आजम है? साउथ अफ्रीका। सही है अफ्रीका जी। सही है आ गए। हज के कितने फराइज हैं? ए छः। जी छः। गलत जवाब तीन। मेराज के मौके पर पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। खतीबुल अंबिया किस नबी का? सी। खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहि सलाम का लकब है। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सूरह बकरा की आयत है। जी बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल सही मान लेता हूँ। कुरान करीम की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत का नाम बताएं। जी बी। गलत जवाब। सूरह नसर। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसकी हर आयत में अल्लाह ताला का नाम है? सूरह मुजादला 28वें सिपारे की पहली। बिल्कुल सही। क्या बात है। शेखुल इस्लाम किन सहाबा को कहा जाता है? हज़रत अबू उबैदा। इन्होंने क्या कहा? हज़रत अबू उबैदा कहा है। नहीं नहीं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। जी जन्नत के कुल कितने दरवाजे हैं? बी आठ। जी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस मुल्क में? किस मुल्क में खेला गया था? इंडिया में खेला गया था। ठीक है जी। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का रुकन बनने वाला पहला मुसलमान मुल्क कौन सा है? अक्वामे मुत्तहिदा की। जी मिस्र। ईरान की करेंसी का नाम बताएं। जी ईरान की करेंसी ईरानी दिनार या ईरानी रियाल जो भी कहते हैं। ईरानी रियाल। यस। अच्छा भाई अब वन बाय वन चलेंगे ठीक है। इसमें बजर राउंड नहीं है, रैपिड फायर है। माइनस प्लस अपनी जगह मौजूद है ठीक है। सो आप लोग तैयार रहिएगा। इसमें भी माइनस होंगे रैपिड में? रैपिड में नहीं होता है। अभी अभी बजर राउंड है, अभी गेस द पिक्चर है ठीक है। रैपिड है वो है बजर है। जी गेस द पिक्चर। अच्छा पहले एक एक करके दिखा रहे हैं। जी पहले आपकी बारी है, दिखाइए पिक्चर। जी वो सामने स्क्रीन पे देख लें। रमजान चीपा साहब द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। आपके लिए दूसरी तस्वीर। बिल्कुल सही जवाब था आपका। ये देखेंगे मैं देखूं। आप ही को आप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी भी आपकी है, तीन है। ये क्या है? दो निशाने हैदर या तमगाए इम्तियाज में से कुछ है। एक बता दो। थोड़ी सी हिंट देने आप देते दे हिंट। तुम बोल चुके हो लेकिन दोनों में से एक है। अब ये दो थोड़ी सी हिंट दे दें कि ये सबसे बड़ा है या उससे छोटा है, बस ये बता दें। बात ही खत्म हो गई। मैं वैसे ही बता देता हूँ तुम क्या कह रहे हो। हाँ। ये है, निशाने हैदर। बोल दो। तमगा इम्तियाज। अबे निशाने हैदर है। नहीं बोल दिया। नहीं नहीं मैं पहले निशान हैदर सबसे पहला फर्स्ट एंड लास्ट माना जाता है ना। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एंड लास्ट माना जाता है ना पहले। सबसे पहला निशान गलत हो गया ना। हाँ। लेकिन मैं निशान हैदर पहले बोला ना, फर्स्ट एंड लास्ट माना जाता है। क्या कह रहे हैं? नहीं माइनस नहीं है, गलत जवाब है। सही। जी आपकी बारी, आइए देखते हैं स्क्रीन पे। भैया जरूरत नहीं है, जरूरत बता रही थी। हाँ ये बचपन में बल्ले बजा के भागते थे, आदत ही पड़ गई। हाँ जी अगली तस्वीर। लियोनेल मेसी। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा प्राइज है ये? अंदाजा लगा लें, अंदाजा लगा लें। कुछ भी बोल रहे हैं, माइनस थोड़ी है। प्राइज से मुराद क्या कह रहे हैं? माइक में बोले क्या कह रहे हैं? प्राइज से मुराद ये कौन सा प्राइज है? तमगा। तमगा है कौन सा तमगा है? तमगा इम्तियाज नहीं होगा। हैं? नहीं होगा। नोबल कहते हैं। अच्छा तला आपको पता है? आप में से नोबल प्राइज। नोबल प्राइज। हाँ चलें जी आपकी बारी है तला, आपसे आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी पहली तस्वीर बशीर फारूकी साहब। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर नेमार जूनियर। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान।
तमगा इम्तियाज जी, सही है गलत है? ये तो आपके लिए बहुत आसान था, आपको ये करना चाहिए था। निशान हैदर? जब नहीं, निशान हैदर हो गया था, सितारा बना हुआ उसमें, सितारा इम्तियाज। अब तो हो गया, अब तो हो गया। चले, मैंने चले जी, आगे बढ़ेंगे रैपिड फायर की तरफ। ये किसको देना है? हम नहीं देंगे। अच्छा चलें, पहले आपसे शुरू करेंगे, फिर एक एक करके जाएंगे। सवाल समझ में ना आए, पास बोल, पास बोलो, ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने उम्रे अदा किए? चार उम्रे किए थे। मुल्क अल्बानिया किस बर्रे आजम में वाक़िया है? रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया। गलत जवाब। नमक का कीमियाई फार्मूला कौन सा है? NaOH। NaOH, NaCl, NaCl। गलत। पेमरा किन अल्फाज का मुखफ़ है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रीजनल कॉर्पोरेशन या एसोसिएशन। अज़रबैजान की करेंसी का नाम बताएं। पास। अबे भाई कार्ड चिपके हुए हैं यार। पाकिस्तान की सरजमीन पर आखिरी बार एशिया कप कब खेला गया? पाकिस्तान की 2000 पाकिस्तान की सरजमीन पर 2012। गलत। पाकिस्तान सबसे पहले माशाल्लाह लगाने वाले शख्स का नाम बताएं। जनरल अयूब खान ने लगाया था। बिल्कुल सही जवाब। नमाज के कुल कितने फराइज होते हैं? नमाज के 7 फराइज। गलत। मशहूर माहिर तालीम मारिया मोंटेसरी का ताल्लुक किस मुल्क से? फतह मक्का के मौके। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। बड़ी जल्दी जल्दी पूछे मैंने, लेकिन टाइम खत्म हो गया। एक मिनट यार, मैं पहले कार्ड खोल लूँ सर। इस हैं, एक मिनट कार्ड खोल लूँ। मैं फंस गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से पूरे किए हैं मेरा टाइम। जी तैयार हैं आप? न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। पास। गलत। अच्छा, सूरह अल माईदा में माईदा से क्या मुराद है? दस्तरखान। पाकिस्तान किस शख्सियत को अमन का नोबल इनाम मिला है? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। अमन का, मलाला यूसुफ़ज़ई। सबसे हल्की धात कौन सी है? पास। लिथियम। नेरोन कोट पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? कोयटा। हैदराबाद। यूं कर भी रहा हूं। जंगे अहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1000। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वजीर आला का नाम बताएं। बेनजीर। मरियम नवाज। बरतानिया की करेंसी का नाम बताएं। यूरो। बरतानवी पौंड। नजी अल्लाह किस नबी का लकब है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एक मिनट भाई खोल लूं जरा मैं, वो बाद में पता है फिर वो टाइम शुरू हो जाता है ना, फंस जाते हैं। जी रेडी? यस सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडी आप? यस। 1 2 3 गो। न्यास क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? पास। हैदराबाद। कॉफी की पैदावार के लिए दुनिया का कौन सा, कॉफी की पैदावार के लिए दुनिया का कौन सा मुल्क मशहूर है? कीनिया। ब्राज़ील। वो चाय के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर गारे सौर में कितनी रातें गुजारी? एक रात। तीन रातें। किस नबी के किस्से को कुरान मजीद में एहसनुल कसस कहा गया है? एहसनुल कसस। पास। पास। मुअम्मर कज़ाफ़ी किस अफ्रीकी मुल्क के मशहूर रहनुमा है? पास। पास। एक मोहब्बत अफसाने की किसकी तसनीफ है? निम्रा अशफाक अहमद। ISI किन अल्फाज का मुखफ़ है? इंटरेस्ट से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तरतीब के एतबार से पाकिस्तान की 24वीं मुंतखब वजीर आजम का नाम बताएं। शहबाज शरीफ। दरिया बुलान पाकिस्तान के किस सूबे में बहता है? पंजाब। केबी के, केबी के। एक और तुक्का मार ले। बलोचिस्तान। नहीं मानूंगा। जी तो ये रहा रिजल्ट, रिजल्ट हमारे सामने। हाँ एक मिनट, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जी टीम ए है 30 नंबर पे, 30 नंबर्स पे, बी 40 पे है। ओ तेरी खैर, मुबारक हो, तूने सेंचुरी मार दी। पूरे 100 नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये वाटर पार्क 1 ईयर फैमिली मेंबरशिप आपको मिल रही है। मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आ जाएं, ये मेरा काम नहीं है, ये जजेस का काम है। ये आपको जी बिल्कुल वाइल्ड वेंचर की तरफ से
ये आपको 1,00,000 रुपए पूरे साल की मेंबरशिप मिल गई जी, बहुत बहुत मुबारक आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपने क्वालिफाई किया अगले राउंड के लिए, आप हमारे साथ आगे जाएंगे और हम ब्रेक पे जाएंगे। जी हाँ, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद और मजेदार किचन के साथ आज मैं बनाना मैं कुछ नहीं बना सकता भाई, फिलहाल यहाँ पे खड़े होके वैसे बना सकता हूँ। शेफ समरीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये अच्छी बात है, खाना खाने से बनाने से पहले आप थोड़े से हाथ धो लें जी, बिल्कुल, और डिटॉल से धो लें तो और भी अच्छी बात है। बिल्कुल जी, क्योंकि डिटॉल का आपको पता है फैसल के, डिटॉल स्किन केयर जो है ये हमें पिंपल्स फैलाने वाला जो रसिंग से भी दूर रखता है, उनसे हिफाजत करता है, ना सिर्फ उनसे हिफाजत करता है बल्कि इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर्स मौजूद हैं वो आपके हाथों को सॉफ्ट रखते हैं और उसके साथ साथ बड़ी जबरदस्त सी खुशबू भी देते हैं। क्या बात है, आप हाथ धोएं और साथ साथ मुझे ये बताएं कि आज आप क्या बना रही हैं। मैं हैंड वॉश एक्चुअली कर चुकी थी जब भी हम ब्रेक पे थे, तो मैं हैंड वॉश कर चुकी थी, बस मैं वेट कर रही थी ताकि सबको दिखाऊं कि किचन में जाने से पहले आपको डिटॉल का इस्तेमाल जरूर करना है। बिल्कुल, आइए जनाब जी। आज हम बनाने वाले हैं बड़े मजेदार से चिकन चीज पॉकेट्स, क्योंकि रमजान मुबारक में हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। जेबें बनाएंगे उसके अंदर हम चिकन विकन थोड़ी सी चली करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, रमजान मुबारक में थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम इजी, क्विक और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज बनाएं। तो इस वजह से हमने इस रेसिपी का इंतखाब किया और उसके लिए हम सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम इसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून्स ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1/2 किलो के करीब चिकन, लेकिन मुझे थोड़ी चाहिए तो मैं इसमें से हाफ यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1 पाव। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल, बोनलेस चिकन है और ये हमारे पास है सब्रोसो की चिकन। सब्रोसो आपको पता है कि हेल्दी एंड हाइजेनिक चिकन हमें प्रोवाइड करता है, और इसकी चिकन जब आप लेते हैं तो बाहर से जब चिकन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, रेड रेड हमें ब्लड कहीं नज़र आ रहा होता है और इतनी ज़्यादा हाइजेनिक नहीं होती है। तो आई प्रेफर कि हम सब्रोसो यूज़ करें जैसे हम आज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या क्या ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने चिकन डाली है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने चॉप कर लिया था, उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। और जब हमारी चिकन का कलर चेंज होगा, जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करना शुरू करेंगे, और सीजनिंग के लिए हमारे पास यहाँ है स्पून। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि चिकन मेरे पास थोड़ी है तो मैं 1/2 टीस्पून सारी चीज़ें डालूंगी ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे याद रखने में। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून है हमारे पास ये धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ये है हमारे पास चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी हम फ्लेवर के लिए इसमें डाल रहे हैं रेड चिली। उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, फिर हम ऐड कर रहे हैं चिली सॉस। देखिए सब चीज़ें वन आफ्टर दी अदर जाती चली जा रही हैं, और एंड में थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी एक चुटकी है, अ पिंच ऑफ शुगर, क्योंकि जब हम स्पाइसी चीज़ें बनाते हैं या सेवरी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, तो उसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हमें शुगर ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है जी, ये हमने ऐड किया, और देखिए छोटे पीसेस लिए ना मैंने चिकन के, तो ये बड़ी जल्दी से हमारा चिकन जो है हो जाएगा। अच्छा, मीन वाइल मैंने क्या किया कि मैं आपको ये भी बताऊं, जब तक हमारी चिकन हो रही है यहाँ, मैं हिलाता रहता हूँ। बिल्कुल जी, थैंक यू। अब मैंने इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है, वो फिर मैं बताती हूँ क्या। मीन वाइल मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ये किया था, ये चिकन के ब्रेड के स्लाइसेस हैं हमारे पास, और हमने क्या किया, इसकी साइज़ को कटिंग किया। अब हम देखेंगे इसके ऊपर रखेंगे, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर रखने के बाद आपने दोनों स्लाइसेस को एक साथ रखना है और उसको इस तरह से करके आपने इसको बेल लेना है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको बेलना है ताकि ये जो है फ्लैटन हो जाए बिल्कुल, ठीक है। अच्छी तरह दबा के आपने इसको बेलना है, राइट। इसको बेल लीजिए। अच्छा जी, बेलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कोई भी आपके पास राउंड कटर हो, कोई ग्लास ले लें, मेरे पास रेमिकिन है छोटा, मैं ये ले रही हूँ, और हम इसको ऐसे प्रेशर से कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। ये कटिंग हो गया हमारा, और ये साइड्स डेफिनेटली हमने वेस्ट नहीं करनी, इसके हम क्रम्स बनाएंगे। इसको देखिए साइड से हमने ऐसे करके प्रेस करना है, हाथ से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे कि हम, क्योंकि मैंने डिटॉल से हैंड वॉश किए हुए हैं, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ कि मैं डायरेक्टली डिप कर रही हूँ, मैंने एग में डिप किया,
उसके बाद जनाब ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, हम उसमें इसको कोट कर रहे हैं। अच्छी तरह कोटिंग कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। दोबारा से एग में डिप कर लीजिए, दोबारा से क्रम्स में कर लीजिए। ऑयल मेरे पास ऑलरेडी बहुत गर्म है, थोड़ा सा वेट करूँगी। एक बात जो हमेशा कहती हूँ कि आपने क्या करना है, जब आप किसी भी चीज़ की कोटिंग कर रहे हैं तो डिपिंग के लिए एक हाथ रखें और कोटिंग के लिए दूसरा, ताकि आपके हाथ भी ख़राब ना हो और आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी वेस्ट ना हो। ठीक है जी, ठीक है जी, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, गोइंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। बस ठीक है, हम इसको क्या करें, चूल्हा बंद कर दूं? बिल्कुल जी, कर दें और हम इसको फ्राइंग पर डाल रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्राइंग के बाद क्या हुआ। क्या बात है जी, तो जानने के लिए देखिए, मजाक कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजे आएगा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट चल रहा था, ब्रेक आ गई, हम वापस चलते हैं अपनी शेफ साहिबा के पास। जी जी, तो हमने जो है चिकन हमारी रेडी हो चुकी थी, मैं आप लोगों का वेट कर रही थी कि आप लोग आएँ, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ियाँ भी ऐड करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक के बहाने से ही बच्चे सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास है चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई शिमला मिर्च एंड चॉप किया हुआ टमाटर, बट इसमें से मैंने बीज निकाल दिए थे। ये सब एक एक मैंने मीडियम लिया था, ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसको इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा क्रंची चाहिए ना, अच्छा लगेगा कि मुँह में थोड़ा सा क्रंच आए आपका वेजिटेबल का। ठीक हो गया जनाब, शिमला बचा लिए क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसको बस हमने हाई फ्लेम पर सिर्फ एक मिनट के लिए सौते करना है, और इसको सौते करने के बाद कलर नहीं चेंज करना हमने इसका, बस एक मिनट के लिए इस तरह के, बस ये चिकन में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ केचप के। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो आप इसके अंदर चिली गार्लिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद क्योंकि हमने इसको ब्रेड में फिल करना है तो हमें थोड़ी सी बाइंडिंग चाहिए। तो एज बाइंडिंग एजेंट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ली है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, ये मैं ऐड करूँगी। और बिल्कुल लास्ट में हम क्या करेंगे, जब भी लेमन ऐड करते हैं या सिरका, उसको हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है लेमन का और खुशबू आती है इसकी। बस हम इतना करेंगे कि ये चीज़ जो है हमारी थोड़ी सी इसमें मेल्ट हो जाए, और फिर अच्छा मैं आपको यहाँ दिखाती चलूँ कि हम जो ब्रेड थी भूले नहीं है, दिखा रहे हैं आपको, फ्राई कर रहे थे ये, फ्राई की तो देखिए ये इस तरह से इसकी शेप आ गई, थोड़ी सी ये फूल के कचौरी जैसी बन जाएंगी। ठीक है जी, आपने क्या करना है, फ्राई करने के बाद आपने इस तरह छुरी से इसको काटना है सेंटर से। ठीक है जी, आप जब इसको काटेंगे तो ये देखिए इसकी पॉकेट्स बन जाएंगी, राइट। और अब हम क्या करेंगे कि बस ये हो रहा है, अच्छा जी, उसके साथ मैंने क्या किया था कि थोड़ा ड्राई ना लगे, वैसे तो ऑलरेडी बहुत जूसी है, बट मैंने यहाँ पे 1000 आइलैंड सॉस बना ली थी। ये मैंने क्या किया है, केचप एंड मेयोनीज़, 4 हिस्से मेयोनीज़, 1 हिस्सा केचप, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस वो ऐड किया, और मैंने इसके अंदर इस तरह इसको फिल कर दिया, राइट। अब ये हो गया है ख़त्म, अब क्या करेंगे आप, ये देखिए चीज़ इसमें ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। हम इसको लेंगे और इस पॉकेट के अंदर ये देखें, ये मोज़रेला चीज़, राइट, इस तरह दें। देखें बच्चे जो हैं नॉर्मली सब्ज़ी नहीं खाते हैं बिल्कुल, बट अगर आप उनको इस फॉर्म में देंगे तो वो डेफिनेटली पसंद करेंगे। आजकल के बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसको हम और मज़ीद अगर चाहें तो हम सब्ज़ी का जो साइज़ है वो और फाइन चॉप कर सकते हैं, फिर हम शायद कामयाब हो जाएं। हाँ, बिल्कुल राइट, तो बस ये इस तरीके से वो आपको बताते हैं कि क्या करना है। जी बिल्कुल, वेरिएशन तो देखें आपकी अपनी, आप इसमें कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने सॉस लगाई इसके अंदर, इससे मैं अकेला नहीं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ यहाँ पे हमारे बड़े ज़बरदस्त हकीम साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह 16 साल से वाबस्तगी है हिकमत से, और मेरी इनकी मुलाकात कुछ 7-8 साल के बाद हो रही है, हम बड़ा तंग करते थे इनको और आज आए हैं, तो मैंने कहा चले आज मैं छोड़ देता हूँ, फिर बाद में तंग करना शुरू करो। हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे पास मौजूद हैं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, आप आ गए, मैंने कहा आप तशरीफ़ रखें क्योंकि हमारा किचन का सेगमेंट चल रहा है, इतना मज़े का उन्होंने कुछ यहाँ पर आज चीज़ बनाई है जिसका नाम क्या है, चिकन चीज़ पॉकेट्स,
चिकन चीज पॉकेट स्क्वायर बिल्कुल नॉट अ स्क्वायर सॉरी सर्कल्स हैं. अच्छा एक चीज़ और मैं जो है वो बताना उस टाइम भूल गई बातों में, आप इसके अंदर ना थोड़ा सा कलर कट करने के लिए अच्छा सा लुक देने के लिए इसमें एक ये लेटस लीव यानी सलाद का पत्ता भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा कोशिश ये किया कीजिए कि जब भी आप कोई चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं फूड में स्पेशली, तो जो चीज़ आपने फिल की है कोशिश करें उसी की प्रेजेंटेशन करें. तो जनाब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लेमन को ही कट करके रख दिया था और उसके साथ हम यहाँ थोड़ा सा कलर कट करने के लिए, वैसे ऑलरेडी इसमें ग्रीन है बट हम इस तरह थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया. राइट. और ये हमारी डिश तैयार है जी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अक्सा भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं और अक्सा आप नात रसूल मकबूल सुना रही हैं हमें. जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला. बिस्मिल्लाह. वो शहर जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है. वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी गए. जो पूछा नबी ने के कुछ घर बिछोड़ा तो से दिखे अकबर के होठों पे आया. वहां जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है. सितारों से चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम. इशारे में आका कि कितना मजा था. इशारे के पेट टूट जाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा. जी एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं. रमज़ान और सेहत की बात हो रही है, मैं आपकी मुलाकात करवा चुका हूं. हमारे हकीम साहब यहां पे मौजूद हैं, शान अजीज साहब. और ये क्या उठा के ले आए आप आज? देखें बहुत काम की चीज़ें हैं ये. अच्छा जी हाँ. अच्छा आप कुछ ज़रूरी ज़रूरी मेरे सवालात भी हैं जी, जी वो भी हम करते रहेंगे. लेकिन आप पहले बता दें फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा. फैसल भाई इसमें जो जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, ठीक है, और शुगर को भी कंट्रोल करेंगे और शुगर की वजह से जो उनकी एनर्जी लॉस हो रही होती है, सुस्ती काहली हो रही होती है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला इनकी शुगर भी कंट्रोल करेंगे. और साथ में शुगर नहीं है ना शाह जी, जी उनका भी रोज़ा रख के यही हाल होता है सुबह जी. जी बिल्कुल
दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, शुगर भी कंट्रोल होगी और शुगर की वजह से जो वीकनेस हो जाती है वो भी दूर हो जाएगी। और जो जो ज़हनी वीकनेस होती है, जो ज़हनी वीकनेस होती है वो तो स्ट्रेस लेवल नीचे आना चाहिए, टेंशन होती है तो इसमें। और जिनके अपने शुगर की दवाएं एक दिन के लिए भी ना छोड़िएगा, अपनी शुगर की दवा जारी रखिएगा और उसके साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। और जो इंजेक्शंस लेते हैं इंसुलिन का इस्तेमाल, इंसुलिन का जी जी, वो चूंकि नाश्ते के बाद लेना होता है तो वो सहरी के बाद ले सकते हैं जी, बिल्कुल इसी तरीके से कि नहीं सहरी के बाद नहीं लेंगे, वो सहरी करने से पहले खाएंगे, सहरी करने मतलब सहरी के औकात। हाँ, इस तरीके से जब रोजा खुल जाए उस टाइम पे भी वो उसका इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक अपने है। इंसुलिन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी जारी रखिएगा, अगर कोई मेडिकेशन है वो भी जारी रखिएगा। और साथ में ये इस्तेमाल करना आपने, ये है जामुन की गुठली। अच्छा, ये सूखे जामुन होते हैं, पंसारी के पास बहुत मिल जाते हैं, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है इंद्रजों तलख, इसे कड़वे जों भी कहते हैं। अच्छा, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है गुड़ मार बूटी, गुड़ मार बूटी। अच्छा जी, ये भी 50 ग्राम। और ये है चंदन के पत्ते, चंदन के पत्ते। तो चंदन क्या पहन के फिर रहा है? चंदन के पत्ते इस तरीके से, ये सारी चीजें 50-50 ग्राम लेके, ठीक है, ये खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। अगर आप रमजान है जैसे रोजे रख रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद इसकी 1 चम्मच, खाने वाली 1 चम्मच पानी के साथ, इस तरीके से इफ्तारी खाने के बाद भी 1 चम्मच आप। इससे वो क्या कहते हैं, जरा एनर्जी सही रहेगी उनकी, ये इनकी शुगर भी कंट्रोल करेगी, हाथ पांव जल रहे होते हैं, कमजोरी फील हो रही होती है, ये सब दूर हो जाएगी और एक्टिव हो जाएंगे ये। एक दफा और जी हाँ, एक दफा दोबारा जी, इसमें टोटली 4 चीजें हैं, जामुन की गुठली 50 ग्राम, इंद्रजों तलख 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, चंदन के पत्ते 50 ग्राम, मिला के ऐसे पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। और ये किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, हर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी आप। ठीक है। दूसरी चीज होती है एनर्जी लॉस हो रही है लोगों की, आम तौर पे भी जिनको शुगर है जिनको नहीं है, कमजोरी बहुत फील करते हैं, सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, निढाल हो रहे होते हैं, और बाद लोगों के हाथ पांव सुन्न होते हैं, और डायबिटिक पेशेंट के तो इतने सुन्न होते हैं कि चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता। तो इनकी शुगर को, जो जिनको शुगर है या नहीं है, जो कमजोरी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, वो सिर्फ 3 चीजें ले लें। अजगन्ना गोरी, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है जड़ कोंच, कोंच की जड़। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें, और इफ्तारी के बाद 1 गिलास दूध में 1 चाय वाला चम्मच मिलाकर पी लें आप। आप देखें आप उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह, एनर्जी भी होगी, बिल्कुल बूस्टर है ये समझ लें। और ये तमाम लोग, डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी का पेशेंट, तमाम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के पाए, तो क्या करेंगे वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, जिनको अगर दूध से एलर्जी रहती है हाँ, तो वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में अगर दर्द रहता हो वो भी ठीक हो जाएगा, और एनर्जी भी आएगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, इसीलिए आप इतने एक्टिव हैं जी। मैं तो रहता ही हूँ, आप खुद ही अपनी दवाइयाँ बना बना के खाते रहते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, और जाहिर बात है हमें भी मशवरे की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, क्योंकि इंसान है, अपने आप को डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये गिजा है, कोई दवा नहीं है ये। अच्छा हाँ, तो ये जारी बात है, जामुन आप खाते हैं, इंदर जो ये भी घरों में इस्तेमाल होती हैं ये, तो इनकी कोई साइड इफेक्ट किसी किस्म के नहीं है, ये बस खुराक हाँ। है। और ये कोई जादू भी नहीं है कि आपने आज खाया और एनर्जी आ गई, या नहीं आज खाएंगे आपको थोड़ी देर में फील होगा, आप एक्टिव फील करेंगे अपने आप। अच्छा, क्योंकि ये जो सफ़ेद मूसली है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों को भी होती हाँ। है, वो सुस्ती काहली वाले होते हैं, सुस्त रहने लग जाते हैं, तो उनकी सुस्ती दूर होना शुरू हो जाएगी। सफ़ेद मूसली के बारे में तो हमने बहुत सुना है, ये तो हकीकत है, अब तो खैर अंग्रेज भी इन चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं दवाइयों में। और दूसरी चीज़ ये अजगन्ना गोरी, इसमें विटामिन B12 B6 पाया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके पट्ठों के लिए बेहतर है ये हाँ। बालों के पट्ठे सुन हो रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। और अगर कोई उल्लू के हैं तो नहीं, लेकिन थैंक यू, आज आप बख्श दें, आज बख्श दें मुझे। शाह साहब के साथ मेरा थोड़ा सा मजाक है, बहुत ज्यादा है, और ये मैं करता रहूंगा, लेकिन ये दोनों बड़ी जबरदस्त चीजें बताई हैं इन्होंने, और आई होप के आपको अगर नहीं समझ आए तो आप बाद में YouTube पे भी देख सकते हैं हमारा शो, उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। Facebook पे भी हम स्पेशली निकाल के कुछ सेगमेंट्स जो हैं TV1 के वो लगाते रहेंगे, उस पर भी आपको ये पूरी रेसिपी मिल जाएगी। फैसल भाई, इंशाल्लाह जब लोगों को शफा होगी, अल्लाह पाक ठीक करेंगे, तो बहुत सारी दुआएं मेरे साथ भी होंगी आपके लिए, तो आमतौर पर वैसी दुआएँ निकलती हैं, आप हमारे एक ये समझ लें सरमाया हैं आप,
और मेरी तो फैमिलीज और हमारे जितने भी दोस्त हैं, आपकी जितनी भी सीरियल्स हैं, जब इन्हें देखते हैं तो यकीन कीजिए एक ऐसा लगता है कि एक हकीकत से करीब। अभी आप जिस तरीके से खाए एक प्रोग्राम आ रहा है, आपका ड्रामा चल रहा है, यकीन कीजिए उसमें ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे हकीकत से करीब हम जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद केपीके का रहने वाला हूँ, तो बिल्कुल वहीं का कल्चर आपने दिखाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सब भी हमारे साथ ही रहिए, हम बस ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से आके जो रमज़ान का मेन जो हमारा सेगमेंट है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदेद। नूरे रहमान इश्क रमज़ान में सोहबत इल्म का जो सेगमेंट है, जो असल सेगमेंट होता है हमारी किसी भी रमज़ान ट्रांसमिशन में, वो अब शुरू हो चुका है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी हम अपने उलमाए कराम से यहाँ पे लेते रहें, उनसे आपके सवालात भी पूछते रहें। जनरली जो सवाल हमने जमा किए, कुछ हमारे इर्द गिर्द जो हम तक सवाल पहुँचे थे, उनके जवाबात भी आज लेंगे। पैनल आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और इंशाल्लाह ताला पूरा रमज़ान हमारे साथ ये मौजूद रहेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सैयद शहरयार दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपको खुश आमदेद कहता हूँ। शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार गिलानी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारी पहले भी मुलाकात रही, आज बड़े अरसे बाद फिर मुलाकात हो रही है। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, कराची यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जवाद हैदर आशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ यहाँ पर हमारी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारी आप एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, कई सालों से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में दीन की बातें कर रही हैं और आप लोगों ने देखा ही, आयशा बिलाल साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, आलमा हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर अरबिक गर्ल्स कॉलेज इस्लामिक स्टडीज़ से। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े मशहूर व मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से भी इनका ताल्लुक है, कराची यूनिवर्सिटी में भी प्रोड्यूसर हैं, रिसर्चर भी हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं, डॉक्टर उमर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएं हैं कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हज़रत बहुत सारे हमने सोचा कि हम टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने कहा आज चूँकि पहला रोज़ा है तो मैंने कहा थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से, उसकी फजीलत के हवाले से, मायने क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। वरना अल्लाह ये हुक्म कर सकते थे कि भाई एक दफ़ा ज़िंदगी में रोज़ा रख लो तो बहुत होगा, ये क्या मकासद हैं कि अल्लाह ताला ने कहा नहीं हर साल ये करना है। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللہ رب العالمین کا کروڑا کروڑ احسان اس کی بے حد اور بے انتہا ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام آپ کی آل پر اہل بیت اطہار پر تمام اصحاب پر آمین ماہ رمضان المبارک تو کیا آتا ہے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں الحمدللہ لیکن اس دفعہ کا ماہ رمضان ذرا رنجیدہ یوں کر رہا ہے کہ جب ہماری نظر پڑتی ہے فلسطین پر غزہ پر تو دل کٹ سا جاتا ہے رات جب سحری پر بیٹھ رہے تھے اور پھر وہ ویڈیو ساری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی تو واللہ کیا عرض کروں جذبات کے اظہار مشکل ہے کہ کیا جا سکے الفاظ میں بہرحال اللہ نے ماہ رمضان دیا شکر ادا کرنا چاہیے العلم نور علم نور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا نور ہے بے شک ہمارے سوسائٹی میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں بڑی فضیلتوں والی احادیث مبارکہ اس وقت زبردست طریقے سے گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہر جگہ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے فیصل بھائی کہ ہم اس کو کتنا اپنے اندر ایبزارب کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مومن
जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाता। अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो हम क्या हैं, हम इस्लाम में दाखिल हुए हुए लोग हैं या इस्लाम हमारे अंदर दाखिल हुआ हुआ है? ये है वो एक हद फासिल के जो हमें ज़रा क्रॉस करनी है कि हमें दीन अपने अंदर किसी तरह लाना है। जो अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। अब ये मुत्तकी, तकवा, परहेज़गारी, इस पर इतनी बहस हो चुकी, बात हो चुकी, शायद अब हम एक्सेप्ट करने के लिए शायद हम सॉरी टू से हम तैयार नहीं हैं। एक बात किसी बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत कही थी, हम में से हर कोई नेक दिखना चाहता है, नेक नज़र आना चाहता है, नेक बनना नहीं चाहता। एंड अगेन वेरी सॉरी टू से कि मैं शायद इस्लाम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर इस्लाम मैं इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नाफिज़ करूँगा तो फिर मुझे अपनी बीवी की भी ख्याल करना पड़ेगा, मुझे बच्चों का भी ख्याल करना पड़ेगा, वालिदैन को भी उनका वही हक और मकाम और मर्तबा देना पड़ेगा जो अनफॉर्चुनेटली मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर नहीं दे पा रहा। रमज़ान हमें इन्हीं चीज़ों पर गाइड करने और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र बनाने कि यार बस कर जाओ, उन आ जाओ, अल्लाह की रहमत जो पुकार रही है उसकी तरफ आ जाओ। बस यही कुछ रमज़ान हमसे तकाजा करता है और हमें उसके तकाजे को पूरा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हज़रत, इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि आज तो चूंकि समझ लें कि बिल्कुल स्टार्ट है, पहला रोज़ा है, तो लोगों को जैसे थोड़ा सा रमज़ान के हवाले से हम डिस्कस जितना भी करें कम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर 186 तक अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक और रोज़ों के मकासद बयान किए, और उमूमन हम इनको सुनते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इदा तकर्ररा तकर्ररा फिल कल्ब, जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो दिल में जगह पकड़ लेती है। तो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो तर्क हलाल से तर्क हराम का सफ़र है कि रोज़ाना 12 घंटे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हराम की हुई चीज़ों को छोड़ें, तो बकिया 11 महीनों में उसकी हराम की हुई चीज़ों को भी छोड़ें। तो हलाल को छोड़ छोड़ कर बतदरीज हराम को तर्क करने की एक प्रैक्टिस हो रही है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और लअल्लहुम यरशुदून, ताकि हम कुरान की हिदायत को पढ़कर हम रुश्द व हिदायत पाकर सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। सिर्फ एक हदीस में यहाँ बयान करके बात मुकम्मल कर रहा हूँ, और इस हदीस को इमाम इबन माजा ने सुनन में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुसनद में, और सही इबन हब्बान में इसको नकल किया गया कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दो लोग एक साथ मुसलमान हुए और उनमें से एक शख्स अल्लाह ताला की इबादत बहुत ज़्यादा करता था, यहाँ तक कि जिहाद में शरीक हुआ और शहीद हो गया। उसके अगले साल एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ जो उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर मुसलमान हुआ था। अब हज़रत तलहा फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े के सामने खड़ा हुआ हूँ, और मेरे साथ वो दोनों भाई, वो दोनों दोस्त भी खड़े हुए हैं। तो जन्नत के अंदर से एक शख्स बाहर आया और कहा कि वो जो बाद में इंतकाल कर गया था वो जन्नत में पहले आ जाए। थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर आया और जो शहीद हुए थे उन्हें अपने साथ जन्नत में ले गए, और जब तीसरी बार बाहर आए मैं समझा शायद मुझे ले जाएंगे, कहा अभी आपका वक्त नहीं आया, आप बेदार हो गए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तक ये ख्वाब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें ताज्जुब किस बात पर है? तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इबादत गुजार ज़्यादा थे, जो जंग में शहीद हुए, वो जन्नत में बाद में दाखिल हो रहे हैं, और जिनका इंतकाल एक साल बाद हुआ वो ज़्यादा इबादत गुजार भी नहीं थे, वो जन्नत में बाद में दाखिल क्यों हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने ये नहीं देखा कि उसका इंतकाल एक साल बाद में हुआ और उसे एक रमज़ान ज़्यादा मिल गया? अल्लाह, तो उस रमज़ान में उसने इबादत की, अल्लाह को सजदा किया, पूरे साल अल्लाह की इबादत करता रहा। तो महज एक रमज़ान का किसी को ज़्यादा मिल जाना, हदीस के लफ्ज़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब इन दोनों के दरमियान जन्नत में इतना फासला है जितना तुम आसमान और ज़मीन के दरमियान देखते हो। तो इसीलिए शाबान और रजब में हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लाना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। तो आज अगर हमें रमज़ान मिला है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस रमज़ान को स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का ऐसा सबब बना लें कि हमारे अंदर की दुनिया तब्दील हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब भी मौजूद हैं। हज़रत, थोड़ी सी बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये भी एक बात बहुत आम फहम हुई हुई है, हर कोई हमें माहे रमज़ान के हवाले से
आदाब सिखाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। सो हर कोई अपने हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे होते हैं, तो आप, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा, अगर ये आदाब रमज़ान जो है उस पर अगर थोड़ा सा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो फैसल भाई, आपके तवस्सुत से मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे जद्द आला हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबानी का आज यौम विलादत भी है, उस एतबार से भी तमाम आलम इस्लाम मुबारकबाद का मुस्ताहिक है। उसके बाद क़िबला मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में सिर्फ एक बात का इजाफा करके मैं आपके सवाल की जानिब आऊँगा। हमारे बुज़ुर्गों ने रमज़ानुल मुबारक को और दीगर महीनों को बड़े करीब से देखा है अपने मुशाहदात के ज़रिए से, और इस बात पर किसी का कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं है कि जब बंदा अल्लाह के क़ुर्ब में जाने की कोशिश करता है और वो फास्टिंग का सहारा लेता है, फाके का सहारा लेता है, दीगर मज़ाहिब के अंदर भी अगर उसको इस चीज़ ये चीज़ें मैसर आती हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसे शुद्ध बुद्ध अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की कायनात के अंदर अजायबात की होने लग जाती है, जिसको योगा भी कहा जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारे उसके नाम रखे जाते हैं। बुनियादी तौर पर रमज़ानुल मुबारक की आमद का जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम अपने बंदों को, अपने महबूब की उम्मत को अपनी ज़ाते कर्म के नज़दीक करना चाहता है और अपनी चादर रहमत में लाना चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि किसी बहाने से मेरे महबूब के उम्मती मेरे करीब आ जाएं। यही वजह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, जो मैंने इब्तिदा में बात अर्ज़ की थी, कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपने मुशाहदात के अंदर रमज़ानुल मुबारक के बारे में ये देखा कि इसकी एक घड़ी भी विलायत के हुसूल के लिए काफ़ी है। इमाम रब्बानी मुजद्दद फ़िसानी शेख अहमद सरंदी ने अपने मकतूबात शरीफ के अंदर इस बात को लिखा कि अगर एक घड़ी भी इखलास और लिल्लाहियत के साथ गुजार ली जाए तो वो विलायत के हुसूल के लिए किफ़ायत करती है। रमज़ानुल मुबारक की आमद का जो मकसद है, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, उसी को उसके साथ रिलेट करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक की आमद का जो मकसद है वो यही है जो अभी क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बंदे दा पुत्र बण। असल इस, ये जो बुज़ुर्गों के जो जुमले होते थे, उनकी जो कहावतें होती थी, इसके पीछे पूरे एक जहान आबाद होता बिल्कुल, बिल्कुल। मकसद यही है कि हम आदाब ज़िंदगी को समझ सकें, हम एक दूसरे को समझाने के बजाय, जैसे आपने कहा कि हम जो है वो दूसरे पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं कि भाई रमज़ान आ गया है, अब जो है आँखें खोलो, हमारी खुले ना खुले, हमने दूसरे की खोलनी है। गोया कि यूँ समझिए कि हम अपने लिए जो है वो वकील हैं और दूसरों के लिए जज हैं। बिल्कुल, यानी मैं चाहूँगा कि मैं रोज़े में झूठ भी बोलूँ, गीबत भी करूँ, वादा खिलाफी भी करूँ, फ्रॉड भी करूँ, धोखा भी करूँ, लेकिन अगर मेरे सामने वाला जो है वो छोटा सा भी ऐसा काम करेगा जो शरीयत मुतारक को मंजूर नहीं है, तो मैं जो है उसके लिए डंडा उठा के जोड़ूंगा और ये कहूँगा कि भाई रमज़ान आ गया और तूने रोज़ा भी रखा हो, इसके बावजूद जो है तुझे रमज़ान मुबारक के एहतराम का पता नहीं। देखिए फैसल भाई, हमें रमज़ान को ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई करना है, हमने दूसरे पर मुसल्लत नहीं करना है, हमने रमज़ान को ख़ुद महसूस करना है और उसके अंदर जो एक लज्जत जो रखी गई है ये कह कर के लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए, तुम्हें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम का क़ुर्ब मिल जाए। सिर्फ एक बात यार, बड़ा लतीफ़ नुक्ता अर्ज़ करके फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इसी से मुत्तसिल आगे कहा गया कि अय्यामम मअदूदात, कि ये गिने चुने से दिन है, मुख्तसर से दिन है। यहाँ पर मुफस्सरीन ने जहाँ दीगर सवालात उठाए, वहाँ ये सवाल भी उठाया कि ये क्यों कहा गया कि अय्याम मादूदात, कि ये पूरा महीना है और एक यूं समझिए कि एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, डूब के जाना है, डूब के जाना है जी। ये वो सूरत हाल है, तो उसके बावजूद कुरान ये कहता है कि अय्याम मादूदात, हाँ। ये तो गिने चुने दिन ऐसे गुजर जाएंगे। तो मुफस्सरीन ने लिखा कि फरमाया कि असल में अल्लाह ने इस तकवे में और रोज़े की इबादत में इतनी लज्जत रखी है कि जब इंसान अपने जिस्म को अपनी रूह के ताबे करके इस इबादत की लज्जत को महसूस करता है, तो जब वो आखिरी दिन मौज़िन अजान देता है और ऐलान होता है कि ईद का चांद नज़र आ गया, तो वो कफ़े अफसोस मल रहा होता है और वो कहता है कि काश मुझे दो चार दिन और मिल जाते
अभी तो मुझे लज्जत और एक करार और इत्मीनान की सूरत मिलना शुरू हुई थी। तो दरअसल रमज़ान का मकसद यही है कि वो एक लज्जत जो इबादतों की है और जो यूँ समझिए कि अल्लाह के क़ुर्ब की है, उसको बंदा महसूस करने की कोशिश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अच्छी तफसीर आपकी थी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज के ज़माने में ना हर चीज़ मजाक सी हो गई, चाहे आप किसी के भी हवाले से बात कर लें, किसी पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर लें, उस पर भी मजाक चल रहा होता है। फिर सब छोड़ें तो ये बाकायदा तौर पे जो अब रमज़ान आता है, जैसे आज अभी मैंने देखा तो लिखा हुआ है कि पता भी नहीं चला 29 रोज़े रह गए, यू नो लाइक समथिंग लाइक दैट। ये क्या माइंडसेट है, ये क्यों इस तरह से लोग इस तरफ जाते जा रहे हैं? पेरेंट्स की तरफ से कुछ कमी है, असाज़ा की तरफ से कुछ कमी है कि रमज़ान की जो एक ख़ास ये एक एक जो रूह है उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम व बाद। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है और मैं समझता हूँ कि रमज़ान इंतहाई रहमतों और बरकतों का महीना है और ये इतना जलालत कदरी का महीना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के आगाज़ से कबल शाबान में पूरा माह मुबारक रोज़ों से गुजारते थे और ये रमज़ान की तैयारी हो रही होती थी और रमज़ानुल मुबारक के लिए आप सहाबा किराम को जोश और जज्बा उनके अंदर पैदा कर रहे होते थे। और जिस तरह हमारे माशरे में आज दीन का, दीनी अकदार का, शायर का इस तरह लफ्ज़ों में, लतीफ़ा गोई में, अंदाज में इजहार कर दिया जाता है तो बसा औक़ात मैं समझता हूँ कि ईमान भी ख़तरे में पड़ जाता है। तो उलमाए किराम को, असातिज़ा को, माशरे के मुख्तदर तबक़ात को, आप जैसी शख्सियात को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए और लोगों को बावर कराना चाहिए। जिस तरह आगा साहब ने, शाह साहब ने फरमाया कि पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद वो कैफियत इंसान के अंदर पैदा होती है कि वो इसकी इसको गनीमत जानता है और चाहता है कि ये मजीद रहते। और सहाबा किराम और ताबईन के बारे में आता है कि वो साल के 6 महीने रमज़ानुल मुबारक को पाने की दुआओं में लगा दिया करते थे और उसके बाद के अगले 6 महीने वो इस आरज़ू में लगाते थे कि अगली बार भी हमें ये रमज़ान नसीब हो जाए। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें रमज़ानुल मुबारक एक बार फिर नसीब हुआ है। और ये इसलिए भी अर्ज़ करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीमुल क़दर हस्ती जो इमामुल अंबिया हैं और सैयदुर रसूल हैं, मौलाए कुल हैं, वो जिब्रील अमीन की दुआ पर आमीन फरमा रहे हैं और जिब्रील अपनी तरफ से दुआ नहीं करते बल्कि अल्लाह ने ये दुआया कलेमात उन्हें देकर भेजे हैं। और उनमें से एक अहम तरीन जो दुआ रमज़ानुल मुबारक की नस्बत से थी वो ये कि अल्लाह करीम वो बर्बाद हो जाए जिसे रमज़ानुल मुबारक की सातें नसीब हों, इसके सहर व अफ्तार मिलें, इसके रोज़ व शब मिलें और वो फिर भी जहन्नम की आग अपने ऊपर हराम न करा सके। हुजूर करीम की नबूवत वाली ज़बान ने फरमाया आमीन, अल्लाह इसे कबूल फरमा। हुजूर की ज़बान आमीन कह रही है, जुम्मे का दिन है, मस्जिद नबवी है और मिंबर रसूल की सीढ़ियाँ हैं। फिर आप ये देखिए कि जब रमज़ान मुबारक आता है, जैसा कि आपने हज़रत शाह साहब से पूछा कि आदाब के हवाले से, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन तो सारा का सारा अदब ही है और हर चीज़ में अदब है। आप देखिए कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ के आदाब का ख्याल नहीं करते तो नमाज नमाज नहीं रहती। हम अगर हज करने के लिए जाते हैं और उसके आदाब का ख्याल नहीं करते तो वो हज न सिर्फ ये कि कबूल नहीं होता बल्कि बहुत सारे कफ़ारे और बहुत सारे फ़िदिये अपने ऊपर लाद देता है। इसी तरह हर चीज़ का अदब है। तो यकीनी तौर पर जो इस्लाम अदब का दीन है, इस रमज़ानुल मुबारक के भी आदाब हैं। इनमें पहला अदब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जब रमज़ान आए तो जिस तरह आसमान के रहमत के दरवाज़े खुल गए हैं तुम भी बाईस रहमत बन जाओ। आपने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। और फरमाया कि सुलसिलत शयातीन व सुफदत शयातीन, शयातीन सरकश शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया गया है कि रमज़ान सिर्फ सहरी करने का और अफ्तार करने का है, यानी मैदे का और गिदा की नाली का रोज़ा है, हालांकि ये आँखों का रोज़ा है, कान का रोज़ा है। बड़ी लंबी बात होगी हजरत, इस पे बड़ी लंबी बात होगी मेरी आपकी, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक से आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान में। और आज हमने बड़ा आम सा टॉपिक रखा
आम तो है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। और अभी हमारे उलमाए कराम ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और जवाद साहब, आज के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ जो बहुत आम फहम देखी गई वो ये है कि हम थोड़ा सा बात को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि फजीलत के हवाले से और आदाब के हवाले से बात हुई। एक सवाल था जहन में, मैंने कहा वो दुनिया भर में मैंने भी ट्रैवल किया, आपने भी किया होगा, आपने कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी गए होंगे, कुछ आप बाहर भी गए होंगे, वहाँ बड़ा मुसलमानों को गैर मुस्लिम जो हैं वो बड़ा रमज़ान के ख़ास तौर से महीने में बड़ी ख़ास एक अपना क्या कहते हैं डिस्काउंट मिल देते हैं, बड़ा खाने पीने की चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे। हमारे यहाँ वो सिस्टम कह 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 के हमें जिंदगियाँ गुजरती जा रही हैं, सिस्टम नहीं आ रहा, वो क्या मसला क्या चल रहा है एक मुसलमान मुल्क के अंदर वो सिस्टम लाना कि हालांकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे मैंने वो सिस्टम्स देखे हैं कि बहुत आसानियाँ कर दी जाती हैं लोगों के लिए। जो इस महीने का जैसे हम सभी ये बात आप लोगों ने की कि जो असल मकसद है आसानियाँ करना, तो हमारे यहाँ क्यों इतनी प्रॉब्लम है और बाहर ये सब कुछ आसान हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, एक इंतहाई अहम समाजी मसले की जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। और रमज़ान मुबारक में कि हमारे यहाँ आम तौर पर मुआशरे के अंदर ख़ास तौर पर मार्केट का अगर आप दौरा करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं, लेकिन बाकी ममालिक में अगर आप जाएँ तो ऐसी परेशानी का लोगों को सामना नहीं करना पड़ता। असल में देखें रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है, ठीक है, लोग रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के मकासद और अहदाफ को नहीं जानते। कुरान करीम की आयत करीमा की अभी तिलावत हुई कि अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तक़वा का हुसूल असल में रमज़ान मुबारक के रोज़ों का हदफ है। हमने सिर्फ ये समझ रखा है कि रोज़े का मतलब ये है कि भूखा रहना और प्यासा रहना है, ठीक है। अगर हम रोज़े को तकसीम अगर करना चाहें इंसानी मुआशरे के अंदर जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके तनाजुर में, तो हमारे यहाँ तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिनका रोज़ा मामूली रोज़ा होता है, वो सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी उनके नज़दीक रोज़ा सिर्फ यही है कि आप फजर से लेकर मगरिब तक जो है वो भूखे रहें प्यासे रहें। अब न तो कान का रोज़ा है, न बाकी आज़ा व जवारिह का रोज़ा है, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें आप बाकी महीनों के अंदर आम कीमत में फ़रोख्त कर लेते थे उनको कई गुना बढ़ाकर जो है आप फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि वो रोज़े से हैं। ये असल में रोज़े का सबसे कम तरीन, ठीक है, बाकी गुनाहों को भी जब अंजाम देंगे तो ज़ाहिर है उन गुनाहों की वजह से आपका आपके रोज़े की ये फजीलत जो है वो कम होती चली जाएगी। ये सबसे कम तरीन रोज़ा है। उसके बाद एक ख़ास रोज़ा है कि जो अहले इल्म रखते हैं, जो अहले तक्वा रखते हैं, वो क्या है कि सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं होता, सिर्फ भूख प्यास का रोज़ा नहीं होता, बल्कि आज़ा व जवारिह का रोज़ा भी होता है। एक हदीस भी हमारे सामने है कि इदा सुमता फल यसुम समुका व बसरुका व जिल्दुका व शारुक। जब आप रोज़ा रखें तो सिर्फ आप भूखे प्यासे ना रहें, बल्कि आपकी आँखें भी रोज़े से हों, आपके कान भी रोज़े से हों, आपके जिल्द भी रोज़े से हों, आपका पूरा वजूद रोज़े से हो, ठीक है। इस हालत में ज़ाहिर है उस आदमी से कि जो पहले मरहले का रोज़ा रख रहा था इसके किरदार के अंदर एक बेहतरी नज़र आएगी, वो उससे कम गुनाह करते हुए आपको जो है वो मिलेंगे। ये झूठ नहीं बोलेगा, ये गीबत नहीं करेगा, ये ऐसी चीज़ों की जानिब नहीं देखेगा कि जिन चीज़ों की जानिब देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। अच्छा, एक ख़ासुल ख़ास रोज़ा है। ख़ासुल ख़ास रोज़ा ये है कि इंसान जब तक़वा के बेहतरीन मरहले पर जब पहुँच जाता है तो न सिर्फ वो खाने पीने से इज्तनाब करेगा, न सिर्फ उनकी आंखें रोज़े से होंगी, न सिर्फ कान रोज़े से होंगे, ज़ाहरी आज़ा व जवारिह रोज़े से होंगे, बल्कि ख्यालात और कल्ब और उसके जो उसकी जो सोच है वो भी रोज़े से होंगे। यानी कभी दिलो दिमाग के अंदर कोई ऐसा बुरा तसव्वुर भी नहीं लाएगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरामीन और अवामिर की जो है ख़िलाफ़ वर्जी सामने। तो इसलिए हमारे मुआशरे के अंदर ये जो चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं रमज़ान मुबारक में अमल की कमी का जो एक सामना है, यह असल में रोज़े के फ़लसफ़े को न समझने का है। आम महीनों के अंदर जिन चीज़ों का रेट जो है वो एक ख़ास उसके ऊपर होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, यानी लेकिन उसके बावजूद हम रोज़े से भी हैं। नमाज का टाइम जब हो जाते हैं तो यही आदमी जो है मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है,
तो इसका मतलब है कि हमें अपने अफकार को और अपने ख्यालात को रोज़ों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो यहाँ पर अहकाम हैं उनके मकासद और उनकी तशरीह की जानिब जो है लोगों को तवज्जो जो है जल्ब करवाना पड़ेगा। जब तक लोग उनके मकासद और अहदाफ को नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक जो है ये मसाइल चलते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रोज़े को उसके अपने असली मकासद के साथ बजा लाने की कोशिश करें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में हम ये कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत का तरीक़ा ये है कि किसी भी अमली मैदान के अंदर कोई गुनाह ना करें, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें, लोगों को धोखा ना दें, लोगों को मुश्किलात में ना डालें, परेशानियों में ना डालें। अगर इस तरह हम इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें जो है वो हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आमीन। और देखें, मैं तो खैर एक बिल्कुल ही आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि अल्लाह ताला को तो हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को क्या, अल्लाह की इबादत करने के लिए तो हमसे ज़्यादा फरिश्ते मौजूद। ये तो उसने हमें एक अपना क्या कहते हैं मौका दिया है कि भाई संभल जाओ, कुछ कर लो। और हम लोग रमज़ानों में और आम दिनों में भी एक चूँकि प्रैक्टिस है ना, एक आप एक महीना प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे हज़रत ने फरमाया कि वो आप जब हलाल चीज़ को आप तर्क कर रहे हैं, देते हैं, सोचें आप हलाल चीज़ को तर्क कर रहे हैं 12-14 घंटे के लिए, तो फिर आपके लिए कितना आसान हो जाता है हराम चीज़ को तर्क करना। तो वो तमाम चीज़ें जो हराम करार दी गई हैं उनसे हमारा दूर होना कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल, वो एक छोटी सी प्रैक्टिस है। मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि इधर रमज़ान ख़त्म होता है, रमज़ान की रात से लोग जो पागल होते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि रोज़े ख़त्म हो गए, जबकि एक एक मोमिन या एक मुसलमान के लिए वो जैसे आप फरमा रहे थे कि एक तकलीफ़ होती है, एक दर्द होता है कि यार रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं। आलमा साहब यहाँ बैठी हैं, उनसे भी मैं बात करूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक एक जो मुझे बहुत बड़ा इशू लगता है, ये मैं अक्सर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस हवाले से सवाल ज़रूर करता हूँ ताकि सुनने वाले किसी एक को भी मैं हमारी बात समझ आ जाए तो अल्लाह करे। हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ख़ास मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी तो हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आप लोग बाहर से आए, आप लोगों ने हालात देखे होंगे ट्रैफिक के, देख के लगता है आपको कि ये रोज़ेदार हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह कहते हैं कि अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, इतनी नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है ना, और कितनी नेमतें हमें दे दी हैं, और फिर इतनी अजीम नेमत हमें कुरान जैसी और रमज़ान जैसी अता की। पता है कहाँ गलती आती है? गलती वहाँ आती है जब हम अल्लाह से बात करना छोड़ देते हैं, उससे गुफ्तगू नहीं करते हैं। कहीं हम किसी भी जगह पर जाते हैं सैर व तफरी के लिए, हस्बैंड वाइफ जाएँ, बहन भाई जाएँ, तो घर आने के बाद डिस्कस करते हैं वो एरिया कितना अच्छा था ना, वो जगह कितनी अच्छी थी ना, अच्छी बात है जी, ठीक है। लेकिन हालांकि दोनों गए हैं साथ, दोनों ने मुशाहिदा किया है तमाम चीज़ों का, वहाँ का खाना कितना अच्छा था ना, उस वक्त तो बहुत ही मज़ा आया था। ये तमाम डिस्कशन जो हम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो सामने वाले को भी पता है और आपको भी पता है। क्यों गुफ्तगू करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं। तो ये बातें हम अल्लाह से क्यों नहीं करते? अल्लाह से 10 मिनट आप बात नहीं कर सकते? रात में वक्त निकालें, अल्लाह से बात करना शुरू करें, अल्लाह ताला सुबह में ये हुआ था, शाम में ये हुआ था, यहाँ इस मसले में फंस गया था, अल्लाह ताला बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं चाहता हूँ ये ठीक हो जाए। ये गुफ्तगू जो है ना, आपको ये 10 मिनट की जो गुफ्तगू है ना, ये अल्लाह के करीब कर देगी आपको। ये जब आप कोई गलत काम करने के लिए उठेंगे ना, तो आप कहेंगे ये तो बुरी बात हो गई, आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, दोस्त के साथ तो ऐसे नहीं किया जाता। अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ना है, उससे ताल्लुक़ इस्तवार करना है, उससे दोस्ती उसकी मांगनी है, उससे उसकी विलायत को मांगना है। जब इतनी नेमत खुदावंदी अल्लाह ने हमें अता कर दी हैं, तो आप सोचें कि जो रसूल कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गमखारी का महीना है, ये सब्र का महीना है,
और फिर कुछ चीज़ें मैं चूँकि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगी, हम अक्सर बहुत सारे कामों में ख़ास तौर पर खाने पकाने में बड़े मसरूफ़ हो जाते हैं रमदान में, तो उसके लिए बड़ी ये मैं आपकी ये देखें, ये सबसे बुरा फेज़ होता है जब हम शो कर रहे होते हैं एज ए एंकर, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लाहौर में गालिबन अजान मगरिब का वक्त हो जाएगा कुछ देर बाद, तो उसका ब्रेक है छोटा सा। और मजा जब गए सरकार आते इस वक्त कॉल भी है हमारे पास, मैं खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को। खैरपुर से गालिबन कॉल है उस्मान समो साहब की। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारी स्क्रीन्स पे मौजूद हैं, और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, तकरीबन हर मसलक से यहाँ पे उलमाए कराम मौजूद हैं, तो जो भी आप जिस हवाले से भी कोई सवाल, अगर ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पैनल डिस्कशन चल रहा है आप उसी हवाले से करें, कोई और भी जहन में बात आती है या कोई और शरई मसला या ऐसा कानूनी मसला चल रहा हो, तो आप बिल्कुल आप बेझिझक हमसे सवाल कीजिए। यही मकसद है हमारे तमाम उलमाए कराम का यहाँ पे मौजूद होने का, ये गुफ्तगू तो चलती रहती है और हमारी यही कोशिश रहती है कि अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते रहे। और मैं ट्रैफिक, अच्छा कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये उस्मान साहब ही हमारे साथ। जी उस्मान समा बात कर रहा हूँ खैरपुर से। कैसे हैं उस्मान, आपको रमज़ान मुबारक। बहुत आपका भी मुबारक है। जी फैसल भाई, हम आपकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मुझे एक सवाल था, आलम दीन बैठे हैं आपके पास। जी जी जी, सवाल ये कि फैसल भाई, रमजान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहरी करने के बाद सो जाते हैं, फिर अफ्तार में उठते हैं,
शाम में उठते हैं, हम गुनाहों से तो बचे रहते हैं, लेकिन क्या मसला है कि रमजान में नींद ज्यादा आती है या भूख से भी बचे रहते हैं, पूरा दिन सोना, ये दुरुस्त है? यार ये वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये सहरी से लेके अफ्तार तक तो बहुत लंबा हो जाता है सोना यार, 12 घंटे कौन सोता है यार? काफी लोग ऐसे सोए हुए होते हैं फैसल भाई रमजान में जिनको काम वगैरह नहीं होता। हाँ कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते होंगे तो उनके, हाँ ये ऐसे पूरा दिन सोते रहना ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल से मैं कुछ ऑब्वियसली, खैर आपको पता है इसका जवाब, आपके सवाल में जवाब है। कैसे दुरुस्त हो सकता है? इस बीच में वो नमाजें कजा कर रहा है, हैं ठीक है, अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है, लेकिन नमाजों का जहाँ यहाँ सवाब है कि फर्जों का 70 फर्ज और नफलों का फर्ज के बराबर है, तो भाई गुनाह भी वैसे ही हिसाब से है, हैं? अगर एक नमाज कजा करेगा फिर 70 नमाजें कजा करने का अदाब है ना, ये भी तो है जी। जवाब भाई आप साहब ने भी इशारा फरमाया कि नमाज तो आप पढ़ लें, नमाज तो आपके ऊपर फर्ज है, नमाज के अलावा अगर आप सो भी जाते हैं, रमज़ान मुबारक की बरकत ये है, रहमत ये है कि रमज़ान में सोना भी इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नौमुकुम फीह इबादा अनफासुकुम फीह तस्बीह, आपका सांस लेना भी तस्बीह का दर्जा रखता है। हालांकि सांस लेना तो हमारी मजबूरी है, हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत इस महीने के अंदर ये रखी है कि आप सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला तस्बीह का सवाब आपको अता फरमाएगा, आप सो रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इबादत का दर्जा आपको दे सो रहे हैं, वो तो जाहिर है जैसे कि फरमाया ना कि नमाज के लिए तो उठना पड़ेगा, सांस ही ले रहे हैं नमाज के लिए उठना पड़ेगा, नमाज के बाद अगर वो सो जाते हैं तो, अगर कोई कामकाज नहीं है जी, कामकाज ये कोई करोड़पति आदमी है, ये कोई आम आदमी नहीं है, हमारी तरह मेहनत करनी पड़ती है भाई, पैसा कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली माह रमजान की मैं एक अर्ज करूं कि वो कहते हैं ना की ना किता यार ने कि यार वास्ते रब मैं फिना सजाइया ने सरकार वास्ते, वाह वाह वाह, दिल याद ली बनाया ते तारीफ ली जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते, रहमत ओदी ने लै लिया अपनी पना दे विच, सरकार दे जद मैं पाए दो चार वास्ते। ये ऐसा मुबारक महीना अल्लाह ने दिया है कि आओ मेरे दामन में, मेरी रहमत के दामन में आ जाओ। बस बंदा थोड़ा सा नाशुक्र है ना, इसलिए छोड़ देता है काम का, लेकिन फिर भी आसमान, एक हदीस में यूँ भी आया, मफहूम अर्ज करता हूँ कि आसमान दुनिया से रोज़ आना, ये माह रमज़ान जब शुरू होता है और आखिर लैलतुल जायदा तक निदा होती है कोई रहमत तलब करने वाला, मगफिरत तलब करने वाला, रिज़्क़ तलब करने वाला, औलाद तलब करने वाला, जो जो चाहिए अता होगा, पर हम लेने वाले नहीं बन रहे, अल्लाह हमारी आँख खोले। आमीन आमीन। उमैर साहब इसी हवाले से बात चल रही थी, कुछ सवालात मैं पूछ भी रहा था, कुछ थोड़ा सा हम रमज़ान के हवाले से भी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और फजीलत के हवाले से बात की, फवायद के हवाले से बात की, थोड़े सी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, आदाब के हवाले से ख़ास तौर से बात कर रहे हैं, ये भाई ने भी अभी एक बीच में बात की, और मज़ीद कॉलें भी आती हैं तो मैं बिल्कुल बात करता हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास भी तो एक जागता है सब्र के साथ, जब आप रोज़ा रखते हैं तो एक एहसास भी तो जागता है ना आपका, कि आप जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं तो कोई और ना जाने कब कब कितनी बार गुज़रा होगा उससे, वो एहसास क्या नहीं जाग रहा है आजकल, क्या हो क्या गया है ये मैं सीरियसली, ये बड़ा सीरियस सवाल है। ग्रेजुअली एज एन इंडिविजुअल और पूरी कौम डीसेंसिटाइजेशन की तरफ जा रही है, हसासियत ख़त्म हो रही है। भी आपने दो बड़े अहम टॉपिक्स यहाँ छेड़े कि वेस्ट में तो लोग बाकायदा आपको डिस्काउंट भी फराहम कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको यानी इस्लामी दुनिया के अंदर भी आपको, जो पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक हैं, आपको लगेगा कि बहुत एक बड़ी तब्दीली को रोनुमा होने जा रहा है। मैंने टर्की में देखा है, ईरान में देखा है, ये बहुत हैवी लेवल, बहुत ज़्यादा वो उसको लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जी, बहुत ज़्यादा, और उसको एक यानी खूबसूरत दिन और एक मेहमान की आमद के तौर पर उसको मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर देखने में ये आता है कि लोग ट्रैफिक जो ख़ास तौर पर इफ्तार से पहले जो हमारा ट्रैफिक जैम होता है, और जिस तरह टेम्परामेंट हम लूज कर जाते हैं, और समोसों की लाइन, समोसों पर जो लाइन पे जो झगड़ा हमारे यहाँ हो रहा होता है, फिर इसी तरह ख़ास तौर पर जब चीज़ों के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, यानी मुझे जिस चीज़ पर ज़्यादा अफसोस है वो ये है कि जब हमने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कहा कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को तरजीह दें, तो सप्लाई चेन के अंदर हमारे यहाँ लोगों में कमी वाकई होने लगी, लोगों ने रेट्स बढ़ा दिए अपने, तो ये हमारी दरअसल अखलाकी गिरावट का आलम है,
और मैं ये समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ते के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है। देखिए हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, एनिमल राइट्स की बात हो रही है, हमारे यहाँ विमेन और चिल्ड्रन राइट्स की बात की जा रही है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट्स ऑफ द पाथ की बात की है, रास्ते के हुकूक क्या हैं। तो फरमाया रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना, अगर कोई रास्ता भटक गया है तो उसे रास्ता दिखा देना, इसी तरह अगर कोई शख्स आपको सलाम करता है तो उसको जवाब देना। अब गौर कीजिए कि हम तो बजाय इसके कि रास्ता बनाएं, हम तो रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं, एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिल पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिसको शहरुल मुवासा कहा गया कि एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना, तो अगर हम इस तकलीफ को अपने अंदर महसूस कर लें तो शायद हम रमज़ानुल मुबारक का जो असल एसेंस और उसका जिस्ट है शायद हम उसको पाने के काबिल हो जाएंगे। मैं भी थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल मीडिया पे दो वीडियोस मैंने देखी तो मैं यानी लरस गया कि रमज़ानुल मुबारक में हमने तो अपना सब कुछ लूज क्या कुर्बानी दी है मुझे आप बताएं, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि शायद रोज़ा रखने के साथ भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए हम नाउज़ुबिल्लाह लोगों पर कोई एहसान करने जा रहे हैं। मैंने रोज़ा रखा हुआ है, इस वक्त गजा के अंदर जब तरावी हो रही है तो याद रखें कि अल फारूक मस्जिद 1400 साल पुरानी मस्जिद को मुनदिम किया गया, उस मलबे के ढेर पर खड़े होकर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर, तरावी की नमाज मलबे के ढेर पर हो रही है। और अल्लाह ताला को भी अपने बंदों पर नाज हुआ होगा कि जब लाखों की तादाद में अपनी जानों का नजराना पेश करने के बाद मस्जिद अक्सा को खोला गया तो उसके रश में कोई कमी नहीं आई है, लोग अल्लाह की बारगाह में उसी तरह पांच वक्तों में खड़े हुए हैं और उसी तरह तरावी की नमाज अदा की जा रही है। तो कम से कम उनकी भूख प्यास को याद करके हम अपने आप को एहसास थोड़ा सा एहसास की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद। कुछ बातचीत का सिलसिला बनता है और वहाँ पे ब्रेक आ जाता है तो वो तसलसल जो है वो टूट सा जाता है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं फिर वो निकल जाती हैं। एहसास के हवाले से बात हो रही थी हज़रत गिलानी साहब, एहसास के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी एक मेरे ख्याल से बात है जिस पे हमें लोगों को शायद अब थोड़ा फोर्स करने की ज़रूरत है। हम ब्रेक में भी वही बातें कर रहे हैं कि इस वक्त कई चीज़ों पर इतनी तकलीफ़ हो रही होती है लेकिन समझ नहीं आता कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। फैसल भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अपने आप से खुद एहसास का खून करते हैं और एहसास के इबलाग और तबलीग का हम इस तरीके से तिया पाचा एक करते हैं कि हमारे दस्तरखान पर हर तरह की अल्लाह ताला की नेमत होती है, उसको खाने के बाद इफ्तारी करने के बाद हम अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा ज़रा देखना वो हमारे पड़ोसी ने इफ्तारी की या नहीं की, बाद। वाह वाह वाह, यहाँ से हमने अपने बच्चे के दिल में एक यूं समझिए कि वो एहसास पैदा कर दिया है कि एहसास नहीं है, आप इसको यूं कह सकते हैं आसानी से, उसके जहन में ये बात पैदा हो गई है कि मैंने पहले अपने लिए सब कुछ करना है, बुनियादी तौर पर मैं पहले अपने लिए सब कुछ करूँगा फिर उसके बाद मैं देखूँगा मेरे पड़ोसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे मोहल्ले में किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जिस बच्चे की परवरिश ही इन बुनियादों पर हो तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या, उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि वो एहसास करेगा। यानी हमें दीन ये नहीं कहता कि दीन ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल अपने आप को जो है खत्म कर दें नहीं, दीन ये कहता है कि अपने साथ अपने पड़ोसी का भी ख्याल करें। तो जब बुनियादी तौर पे हम अपने बच्चे को ये दर्स देंगे, उसे ये तबलीग करेंगे और उसे ये समझाएंगे कि बेटा ये रोज़े हैं, आज जहाँ हमारा दस्तरखान सज रहा है तो मेरे पड़ोसी का जिसकी इतनी अच्छी आमदनी नहीं है उसका दस्तरखान भी सजना चाहिए, बेटा जहाँ मैं अल्लाह की नेमतें खा रहा हूँ तो वहाँ उसको भी अल्लाह की नेमतों से इस तरीके से इफ्तार करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर हम मिन हैसुल कौम एहसास को जो खो चुके हैं, मैं ये समझता हूँ और ये उलमा यकीनन मेरी बात की तायद करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो तरबियत के अंदर जो ये चीज़ एक मादा रखा गया है इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जब ये ख़त्म होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुआशरा उस तरफ जाएगा कि हम अपने पड़ोसी का एहसास, अपने मोहल्ले का एहसास, अपने शहर का एहसास, अपने मुल्क का एहसास, और फिर एक वक्त वो आएगा
कि हम अपने कलेमे का भी एहसास करेंगे कि अगर फलस्तीन में आज मतलब हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारे आंसू क्यों नहीं निकल रहे, हम क्यों नहीं रो रहे, यानी हमारी रूह क्यों नहीं कांप रही कि आज वो मुसलमान जो है वो उनके बच्चे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो घास खा रहा है, वो ज़बरदस्ती जो है वो मट्टी से भरा हुआ घास खा रहा है, धुला हुआ भी नहीं खा रहा। तो अब वो बच्चा जब वो घास खा रहा है तो उम्मत मुस्लिमा की वो गैरत और वो एहसास कहाँ मर गया? यानी हर आदमी ये दुआएं तो कर रहा है कि या अल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को भेज दे, टीपू सुल्तान शहीद को भेज दे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भेज दे। हमने अपनी तबीयत से और अपनी ज़ात से क्या किया, किस तरीके से हमने उम्मत मुस्लिमा को वो बावर कराने की कोशिश की कि हमारे अंदर एहसास मौजूद है? तो फैजल भाई, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमें अपने आप पर, सबसे पहले अपने आप पर इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि मेरे अगर पड़ोसी के दिल में किसी चीज़ की कमी है, उसकी तरबियत में किसी चीज़ की कमी है, मेरे दोस्त की तरबियत में किसी चीज़ की कमी, फिर मैं उसको देखूँ। और हज़रत, मुझे लगता है इस जो आप सूरत हाल की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार हमारी जो ख़वातीन है, हमारी जो बहनें, हमारी जो माएँ जी, वो प्ले कर सकती हैं मेरे ख्याल से। उसमें किस तरह से बच्चों के साथ, चूँकि देखें हम सारे ये बात तो मानने वाली है कि एक आम तौर पे अगर देखा जाए तो मर्द का वक्त घर में ज़रा कम गुजरता है जी, औरत का वक्त ज़रा ज़्यादा गुजरता है बच्चों के साथ। तो बहन, उस पर भी अगर आप थोड़ा सा। मैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मैंने फुकदान देखा वो ये था कि माएँ अपने बच्चों को वक्त देने के लिए तैयार ही नहीं हैं, वो वक्त ही नहीं देती हैं। अगर वो वक्त देंगी तो माशरा बेहतर हो सकता है। मैंने तो बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे देखा कि बहुत बहुत वक्त अपने मोबाइल में वो लगी रहती हैं, बच्चा उनसे बात करना चाहता है, वो बच्चे को सही से गुफ्तगू भी नहीं कर पाती हैं, खुद लगे में मोबाइल में बच्चे या को बच्चों लगा को दे देते हैं, कार्टून्स दे देते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, कार्टून्स दे दिए। आप देखें हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनका अंदाज़ क्या था कि जब ये हज़रत इमाम हसन को भेजती थी स्पेशली मस्जिद नबवी के, जाइए आप नाना जान का खुतबा सुनिए, और खुतबा सुनने वाले हसन हैं और भेजने वाली फ़ातिमा हैं और सुनाने वाले नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद जब ये लौट कर आते हैं ना तो अम्मा फ़ातिमा तो ज़हरा पता है क्या कहती हैं, बताइए क्या कहा था अब्बा ने, वो पूरा डिटेल्स सुनती हैं कि क्या क्या हुजूर ने बताया है। तो ये हम माओं की जिम्मेदारी है। आज हम कहते हैं कि माशरे में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ख़वातीन का बहुत बड़ा कसूर है, इसे हमें मानना होगा। और फिर हम कहते हैं ना जब बुढ़ापे पर पहुँच जाते हैं फिर कहते हैं औलादें छोड़ गईं, हम जब अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, तन्हा छोड़ते हैं, तो बुढ़ापे में ऐसा ही होता है कि माँ बाप को तन्हा छोड़ देते हैं बच्चे। तो वो वक्त जो अभी आपके पास मौजूद है, जो अभी सुन रही हैं ख़वातीन, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है दुनिया के झमेले से बिल्कुल अपने आप को साइड पे करके अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनसे गुफ्तगू करें, उनको सिखाएं, समझाएं। आपकी आदत अच्छी होंगी तो आपके बच्चों की आदत ज़रूर अच्छी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, कनेक्शन की बात की है इन्होंने, और चूँकि आप खुद भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, आप माशाल्लाह यहाँ पर सभी लोग ताल्लुक़ है, स्टूडेंट्स के साथ भी एक ख़ास कनेक्शन डेवलप होता है, असातिज़ा के हिस्से में भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आजकल माँ बाप डाल देते हैं। क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ असातिज़ा के ज़िम्मे आती हैं और क्या क्या वालदैन के ज़िम्मे आती हैं, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, बस मेरे पास वक्त चूँकि कम है। यकीनी तौर पर एक उस्ताद जो है वो रूहानी तौर पर वालिद के दर्जे पर होता है, और उस्तानी या मौलिमा जो है वो माँ के दर्जे पर होती है, और उस वक्त तक कोई अच्छा उस्ताद और मौलिमा बन नहीं सकता जब तक उसके अंदर माँ की ममता और बाप की शफ़क़त शामिल नहीं हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ हर जगह गली गली में स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, तालीमी इदारे हैं, लेकिन जिस चीज़ का फुकदान है वो तरबियत है। हमारे यहाँ दुरुस्त में भी, वाज में भी सारा ज़ोर सवाब पर तो होता है, लेकिन उन जिम्मेदारियों पर नहीं होता जिस जिम्मेदारी का हर शख्स को ज़िम्मेदार बनाया गया है। और फरमाया गया है कुल्लुकुम मसूलुन अर्रायत ही, यानी हर हर चीज़ के बारे में सवाल अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन पूछा जाएगा। हमारे अमल से हत्ता कि यहाँ तक फरमा दिया गया कि वह नक्तबू मा क़द्दमू व आसारहुम, लिखा जा रहा है वो भी जो हमने आगे भेजा है और वो भी जो हमने पीछे छोड़ा है। यानी अगर हमारे किसी अमल से कोई खुदा न खास्ता इस्लाम से या दीन से दूर होता है तो हम ज़िम्मेदार होंगे।
اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ مساجد کے ممبر اور محراب سے یہ تعلیم دی جائے, اسکول کے مکتب سے تعلیم دی جائے کہ سگنل توڑنا جرم ہے, گاڑی کو آگے بڑھانا, پریشر ہارن دینا, دوسروں کو راستہ روک کر خود آگے بڑھ جانا, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو شو آف کرنا, یہ سارے وہ جرائم ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب ہوگا اور جن کے بارے میں باز پرس ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گریجولی پھر نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہے, مل جل کے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. غالباً کراچی میں بھی اب وقت ہونے جا رہا ہے کچھ دیر بعد, تو میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لے لیں تاکہ یہاں پہ ایک سیٹ اپ ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پاکستان میں خاص طور سے کراچی میں پہلا روزہ افطار ہو چکا اور ہماری نشریات بھی ختم ہو رہی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اوزی ڈیولپرز کا کہ یہ ہمارے پاس افطار جو ہے آج ان کی جانب سے ہے, اور ہمارے پاس آج کچھ گفٹ ہیمپرز بھی ہیں جو ہم خاص طور سے ہمارے علماء کرام کے ساتھ جائیں گے. سلمان آپ کے ساتھ بھی جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے بھائی, مطلب پریشان مت ہونا. اور میری آپ لوگوں سے اب کل پھر ملاقات ہوگی. ہمارا یہ ساتھ 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے,
डिपेंड करता है, लेकिन जब तक रमज़ान है तब तक मेरा आपका ये साथ रहेगा। इंशाल्लाह हमारे उलमाए कराम यहाँ भी मौजूद होंगे। नंबर्स हमारे नोट कर लीजिए, कॉल कर सकते हैं आप हमें जब चाहें। ढेरों इनामात इंशाल्लाह कल से आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। ओजी डेवलपर्स का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ख्याल रखें और खुदा के लिए थोड़ा सा समझें जो आज ये सारी गुफ्तगू हुई है। अल्लाह हाफिज़।